शिवमान्निकम्। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, तेरी माता पार्वती, पिता महादेवा। हे सिद्धि विनायक, मेरे गधे जैसे बेटे को जरा बुद्धि दे, ताकि वो कुछ काम धाम करे। अरे बुढ़ाओ, काम धाम करने की मुझे क्या जरूरत है, है? अपनी तिजोरी में जितना माल है वो तेरे जाने के बाद सब मेरा ही तो है। तेरा नहीं, ये सब प्रकाश की मेहनत के पैसे हैं। हाँ। सब जानते हैं कि ग्राहकों को यहां तक खींच कर लाने के लिए उस बेचारे को कितने पपड़ बेलने पड़ते हैं, कठपुतली की तरह घंटों नाचना पड़ता है। बोले फरमाइए, बोलिए क्या चाहिए, आइए फरमाइए, बोलिए क्या चाहिए। सिल्क, पटोला, कांजीवरम, शिफॉन, मेरी दुकान में हर चीज मिलेगी, तुझ पे ये रंग ये डिजाइन खिलेगी। मेरी दुकान में हर चीज मिलेगी, तुझ पे ये रंग डिजाइन खिलेगी। तो आइए फरमाइए, बोलिए क्या चाहिए, आइए फरमाइए, बोलिए क्या चाहिए। भानुप्रिया मेरी दुकान में आती है, अपनी पसंद के मन चाहे कपड़े वो मेरे यहाँ से लेके जाती है। नीली नीली आंखों वाली राम तेरी गंगा मैली कपड़े यहाँ सिलवाती है, गोरे गोरे रंगों वाली चुही किले अंगों वाली कपड़े यहाँ बनवाती है। इसका नाम तेजाब है, साड़ी लाजवाब है, बॉबी इसका नाम है, सुबह शाम है। मेरी दुकान में हर चीज मिलेगी, तुझ पे ये रंग ये डिजाइन खिलेगी। ओ मेरी दुकान में हर चीज मिलेगी, तुझ पे ये रंग ये डिजाइन खिलेगी। Washable, hot pants, short pants, disco shirt, don't flirt, long skirts, short skirts, ye chadar le lo, ye shrink nahi hoga,
ये खादी ले लो, इस पे डिस्काउंट मिलेगा। वुलन, कॉटन, सूटिंग, शर्टिंग, लुंगी, गंजी, टॉवल, कंबल, मेरी दुकान में हर चीज मिलेगी। तुझ पे ये रंग ये डिजाइन खिलेगी। आइए फरमाइए, बोलिए क्या चाहिए। आइए फरमाइए, बोलिए क्या चाहिए। तू अभी तक घर नहीं गया? इतनी जल्दी कहाँ बाबूजी, अभी तो ग्राहकों के आने का समय शुरू हुआ है। अरे घर पहुंचने में तुझे देर हो गया तो तेरा खराब समय शुरू हो जाएगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए बाबूजी। तेरी फिक्र नहीं, मैं अपनी फिक्र कर रहा हूँ। तू जानता है जो बिजली तेरे घर में चमकती है वो मेरे घर में आकर टूटती है। जा जा कर जा कर जा। कहाँ गई होगी? अरे पिंकी बेटे, तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी मुझे बंद करके बाहर चली गई है। कहाँ? पता नहीं डैडी, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। क्या करूँ, दरवाजा ही तोड़ देता हूँ। ओहो प्रकाश भाई, प्रकाश भाई, आप चाहे तो मेरा आखा मकान तोड़ डालो, लेकिन ये दरवाजे को कुछ मत करो। पता है क्यों? क्योंकि ये दरवाजा मेरे स्वर्गवासी दादाजी की निशानी है जो उन्होंने काठमांडू में बनवाया था। और मेरे माता पिता शादी करके इसी दरवाजे से अंदर गए थे, और इसी दरवाजे से उनकी अर्थी भी बाहर निकली थी, और एक दिन खुदा ने चाहा तो मेरी अर्थी भी बाहर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि रूपा कहाँ है? रूपा कौन? मेरी बीवी। ओह आपकी बाईड़ी रूपा भेल, एक मिनट। देखो घर नंबर 3 की श्रीमती ज्योति देवी देखने गई है, ज्योति बने ज्वाला। घर नंबर 7 की श्रीमती शांति देवी देखने गई है, क्रांति। घर नंबर 9 की श्रीमती विद्या देवी देखने गई है, अनपढ़। यानी ये मोहल्ले की सारी बाईड़ी लोग बाहर गई है और मर्द लोग खाली घर में हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि रूपा कहाँ है? रूपा बेन, हाँ वो देखने गए पति परमेश्वर। कौन से थिएटर में? लिबर्टी में। वैसे एक टिकट मेरे पास भी है, वहाँ आपको जाना हो तो। कौन सी पिक्चर का? जोरू का गुलाम। शट अप। क्या बात है, हमें क्यों परेशान कर रहे हो आप? आपकी चार पांच बीवियां हैं क्या? अबे ओ जबान संभाल के, चार पांच होगी तेरी, इनकी तो बस मैं हूँ। ऐसा कौन सा पार टूट पड़ा कि सुनते सुनते तुम यहाँ तक चले आए? फूल सी मासूम बच्ची को ताले में बंद करके तुम यहाँ चली आई? सड़क पे थोड़ी ही छोड़ आई थी, है तो घर में, ताला लगा दिया तो क्या? कम से कम चाबी तो पड़ोसी के यहाँ छोड़ा थी। ये लो चाबी, मैंने जब पीछे चालू करो। अरे बड़ी बेशरम हो, खत्म का नाम सुना नहीं कि कोले मटकाती चली आई। ये तो सोचा होता कि तुम्हारा नहीं पराया पति है। चलो चलो। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, लाड साहब कहीं का। औरों के गए गुजरे पति भी अपनी बीवी को घुमाने फिराने सिनेमा दिखाने को ले ही जाते हैं। एक ये है, अपनी बीवी को घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझता, खुद तो अपनी बीवी को सिनेमा तक नहीं दिखाता। फिर सिनेमा हॉल में इतनी बड़ी स्लाइड लगाने की क्या जरूरत थी? उसे देखकर चवन्नी छाप लोगों ने सीटियां मार मार कर चिल्लाना शुरू कर दिया। हाय मेरी रूपा, रूपा मेरी डार्लिंग, रूपा मेरी जान, रूपा मैनेजर के रूम में चलो। तो तुमने क्या किया? पीठ पीछे भौंकने वाले कुत्तों की मैं परवाह नहीं करती, सामने बोलते तो उनका मुंह नोच डालती। किसी को कोसने का फायदा, कुसूर तो मेरे नसीब का है जो मेरे बाप ने मुझे ऐसे अनपढ़ गंवार के पल्लू बांधकर मेरा जीवन नर्क बना दिया। इसलिए तो मैं कुंवारी अच्छी थी। घर वाली चिल्लाती जा रही है, घर वाला कुछ बोलता है? अरे अभी तो सिनेमा शुरू हुआ है। अरे वो सिनेमा की हीरोइन, ओ भाई लोग, अरे तुम लोगों को कोई दूसरा काम धंधा है कि नहीं? घर में जाके भांडी बर्तन मानने का छोड़ के अपने सेठ लोग का तमाशा देखने खड़े हो गए इधर? अरे शर्म वरम आती है कि नहीं तुम लोग को? जाओ अपना काम करो जाओ। अरे इस प्रकाश सेठ को तो देखो, बाहर तो बड़ा 30 मार का बना फिरता है। इसका जबड़ा तोड़, उसका मुंह फोड़, अब घर में क्यों चुप बैठा है?
अरे पोपट, तेरे जैसे झूठे पत्ते चाटने वाले को क्या मालूम कि घर गृहस्थी क्या होती है और एक पति की मजबूरी क्या होती है। अरे हमेरे से जाता है इस घर को और कोई नहीं जानता, समझे ने? इधर तो क्या है मालूम है, इधर नेला है तो उधर देला है, नेले पे देला। सुश्री, खुद तो ठंडी है, पानी जैसी चाय भी ले आई। मूर्ख, चाय तो पानी होती है, यानी लिक्विड। सॉलिड होती तो तेरे दांत नहीं टूट जाते। आज इसका जन्मदिन है और तोहफे में तू इसे चाटा दे रहा है। आपके इसी लाड़ प्यार ने इस कलमुही को सर पे चढ़ा रखा है। आपने मेरी बात मानी होती तो। अरे तेरी बातों में आकर ही तो दो नमूने पैदा कर दिए हैं। क्यों, तूने कहा था कि गंगा में डुबकी मारो तो ये मगरमच्छ पैदा हो गया। तूने कहा था कि कन्याकुमारी में डुबकी मारो तो कन्या साक्षात चंडी पैदा हो गई। मैंने हमेशा तेरा कहना माना और फल भोगा, और तूने सिर्फ एक बार मेरी बात मानी और नतीजा क्या हुआ? इस लक्ष्मी की बदौलत ये महल है, ये कारोबार है, तेरा राजपाट है। लगे ऐसे राजपाट को, पता है कल रूपा के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? दिल बहलावे के लिए सिनेमा देखने चली गई। अच्छा क्या? हाँ, और वहाँ भी थानेदार की तरह आपका दामाद पहुँच गया। और अच्छा क्या? हाँ, और फिल्म रूपा के नाम की स्लाइड लगवा दी। स्लाइड? चुप, सारे शहर में उसने उसका नाम बदनाम कर दिया। बदनाम? अरे आओ आओ प्रकाश, आओ बेटा। जीते रहो बेटे, जीते रहो। आज ज्योति का जन्मदिन है। हाँ। मैंने सोचा। अरे हाँ, उसी के बारे में तो मैं और तुम्हारी सासू जी बहस कर रहे थे। मैंने कहा जन्मदिन की दावत घर में ही होनी चाहिए, और ये कह रही है होटल सी रॉक में होनी चाहिए। बाबूजी, वो बिट्टू नहीं दिखाई दे रहा। बिट्टू? ओह, तुम्हारा लाडला भांजा। मैंने उसे समझा बुझाकर हॉस्टल में भेज दिया है। इस घर के आबो हवा में रहने से वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ठीक किया है ना मैंने? जाओ ना, अपनी बहन से मिल लो। जी बाबूजी। क्यों जी, यहाँ की आबो हवा में क्या खराबी है? तुम जो हो कुछ नहीं, बहुत बहुत अच्छी आबो हवा है, बहुत अच्छी। ज्योति, ज्योति। हाँ भैया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? अरे देखो तो सही। ये क्या? आज के दिन तुम्हारी आंखों में आंसू, बता किसने रुलाया तुझे? मैं उसका जीना आराम कर दूंगा। भैया, तुम जानते हो भैया, इस घर में तुम्हारी जरा से भी ऊंची आवाज का क्या अंजाम हो सकता है? अगर तुम अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो भैया, तो भाभी को खुश रखो भैया। भले ही उसके लिए तुम्हें अपनी खुशियों का गला क्यों ना घोटना पड़े भैया। मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूं। जिस जगह मैंने अपनी करियर शुरू की थी, आज उसी जगह मैं एक अफसर की हैसियत से आई हूँ। लेकिन आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मेरा और आपका रिश्ता एक अफसर और मातहत का नहीं, बल्कि प्यार भरा साथियों का रिश्ता होगा। गुलशन का है अंदाज बयां, और हम तो जो भी करते हैं जरा हट के करते हैं। हम गुलशन हैं जिसमें सैकड़ों रंग बिरंगे फूलों की महफिल सजी है, वहीं से निकला हुआ ये फूल आपकी नजर है। एक इल्तजा है, प्यार से दिया हुआ ये फूल आपकी जुल्फों में जगह पाए और आपकी खूबसूरती को चार चांद लगाते। हटके है, लेकिन गुलशन से हटके कहाँ जाएगी? न जाने किस डाकण की नजर लगी, इतने दिनों से एक किराएदार नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट ने लोगों को मफत में मकान देना शुरू कर दिया हो? अरे नहीं नहीं, अरे लेकिन कोई तो होगा नसीब का मारा जिसको इस दया भाई पे दया आएगी। कहाँ है गरीबों का दाता? अरे मुन्नी, हम भी शंकर दयाल शर्मा MA LLB हैं। ऊपर बोर्ड देखो, मकान तो क्या महल मिल जाएगा। हाँ ये भाई, रोको 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 भाई रोको। अरे गाड़ी रोको।
बहन भी है। मालूम है चलती गाड़ी के सामने आना कानूनन जुर्म है। मालूम है मालिक, मालूम है, लेकिन आपकी तारीफ हमें नहीं जानते। नहीं तो हम कानपुर में पैदा हुए, नागपुर में बड़े हुए, बनारस में पढ़े लिखे और भटिंडा में वकालत शुरू की। मुवक्किलों को चूना लगाने के लिए हम पूना में बस गए, जहां हमने फुटबॉल की विकेट कीपिंग के बहुत सारे इनाम जीते, कबड्डी खेलने के लिए नासिक गए और गिल्ली डंडा खेलने के लिए भुसावल, और शिकार हमने जबलपुर में शुरू किया। जानते हो आज तक हमने 8 शेर मारे, लेकिन आज हम 9वां शेर नहीं मारेंगे, 9वां लोमड़ा मारेंगे। मुन्नी जरा मेरी बंदूक तो ला। नहीं नहीं भाई साहब, बंदूक का नाम मत लो। देखो भाई साहब, आपको मेरा जीव लेने का है ना, तो मुझे गाली से मार के उड़ा डालो, लेकिन बंदूक से नहीं। बंदूक से मेरे को बहुत डर लगता है, कातिलों का कातिल। तो तुम जानते हो कि किसी की जान लेना कानूनन जुर्म है, और उस जुर्म के लिए उकसाना जुर्म का भी बाप है। मुन्नी जरा बंदूक। मुझे ये क्या कर रहे हैं आप? दयावान, देखिए बहन, मैंने कोई जुर्म उर्म नहीं किया है, ये तो इधर बोर्ड लगा था ना, तो मैं पढ़ के इधर मैं जाता हूँ, मेरा क्या जजे। अरे तुम जानते हो कि हमें मकान की तलाश है, और तुम्हारे पास मकान है फिर भी हमें नहीं दिखाते, ये भी कानूनन जुर्म है भाई। अरे ये जुर्म तो मैं कभी नहीं करूंगा भाई, आप चलो तो मेरे साथ में, इतना मस्त मकान आपको दिखाता हूँ कि आपकी तबीयत खुश हो जावे, मेरे घर के सामने। आओ आओ बहन, ये बाजू आओ, आपको आपका घर दिखाता है। देखो कितना सुख है, कितना शांति है, उस तरफ से सूरज आता है और इस तरफ से हवा आता है। और इस घर में न मच्छर, न मक्खी और न कॉकरोच, और इस घर में रहने का फायदा भी बहुत है, पैसे का भी बहुत बचत होता है। पता है क्यों? क्योंकि इधर टीवी का जरूरत नहीं, वीडियो का जरूरत नहीं, सिनेमा का जरूरत नहीं, सब मफत में देखने को मिलता है, 3 in 1। आओ मैं बताता हूँ, वो देखो बीवी हो तो ऐसी। मम्मी मम्मी एक बात बताओ, अक्कल बड़ी या भैंस? भैंस। अक्कल क्यों नहीं? अक्कल दिखाई पड़ती है क्या? चलिए आई पूछने, भाग यहाँ से। कट्टी कम्बा। हाँ डैडी डैडी, आपने भैंस कैसे बनाई? अक्कल से बेटे। तो फिर अक्कल ही बड़ी हुई ना? बिल्कुल सही कहा बेटे आपने। पर मम्मी तो कहती है भैंस बड़ी होती है। वैसे तो अक्ल बड़ी होती है जो भैंस को चराती है, लेकिन इस घर में भैंस अक्ल को चराती है, जैसे तेरी माँ मुझे चराती है। बेकार है, जानते नहीं इस तरह दूसरों के घरों में झांकना कानूनन जुर्म है। अरे तो बारी बंद कर लेने का, वेरी सिंपल। मुन्नी कैसा लगा ये घर? भैया मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा है। वेरी गुड। बहन जाओ अंदर देखो। भाई वो है। वो क्या? बोतल। अरे जितनी चाहो मिलेगी, चिक्कार मिलेगी, ये लो। लेकिन भाई एक बात है, इसमें से 2 नौटा घमेरा भी है। जरूर मिलेगी, लेकिन एडवांस में से काट लूंगा, क्योंकि मुफ्त में पीना कानूनन जुर्म है दया भाई। ओ तारी, आ तो मारो पण बाप निकलो। हाँ क्या तुम अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती हो? आहा, ओके ओके ओके, वहीं खड़ी रहना, माधुरी की तरह 1-2 दिन करती हुई यहां मत चली आना। हाँ अरे अरे, अब आ गई हो तो श्रीदेवी की तरह मत करना। देखो जी, ना मैं माधुरी हूँ, हाँ, ना श्री देवी, हाँ, मैं तो तुम्हारी रूपा हूँ। बड़ी परेशान थी, लगातार काटे ही जा रहे हैं। क्या? कीड़ा हुई। कहाँ? यहाँ। निकालो। अरे निकालता हूँ निकालता हूँ, मगर ये मत समझना कि फिल्मी हीरो की तरह मैं उससे भी आगे बढ़ जाऊंगा। अरे निकाल रहा हूँ निकाल रहा हूँ, एक मिनट सब्र। मैं चाहती हूँ पति के कहाँ गुदगुदाने से क्या होता है। Ah
की शराब हो तुम, देखा जो शबाब ऐसा मदहोश हो गया। महका गुलाब हो तुम, छल की शराब हो तुम, देखा जो शबाब ऐसा मदहोश हो गया। आपकी मम्मी ने मेरे दो नाम रखे हैं, दिन में कमबख्त, रात को पिया। चलो बेटे अब चलकर खेलो। नमस्ते आंटी। अल्ले आओ आओ मुनिया, आप कौन है? मैं ना आपके बराबर वाले मकान में रहती हूँ। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। अच्छा तो आप हमारी मदद करने आई हैं, दादी अम्मा आओ बैठो। अल्ले कितनी पाली पाली गुलिया है, क्या नाम है आपका? मेरे ना दो नाम है, डैडी कहते हैं पिंकी और मम्मी कहती है शारदा। क्या आपका नाम शारदा है? मेरा नाम भी शारदा है, लव मिला हाथ। लेकिन शारदा तो बहुत अच्छा नाम है, फिर तुम्हारे डैडी तुम्हें इस नाम से क्यों नहीं पुकारते? मैं अपने डैडी से पूछ के बताऊंगी कि वो मुझे ना मुझे मेरा नाम लेकर क्यों नहीं पुकारते। अच्छा अच्छा आंटी अब मैं चलूं? फिर आओगी ना? हाँ। मम्मी मुझे छोटा सा डाउट है। डाउट? कैसा डाउट? तुम मुझे शारदा कह के पुकारती हो और डैडी मुझे पिंकी कह के पुकारते हैं, ऐसा क्यों मम्मी? इसलिए कि तेरे डैडी की और मेरी पसंद में पूरा पश्चिम का फर्क है। क्यों फर्क है? अरे वो तो मेरी फूटी तकदीर थी जो मुझे यहाँ तक खींच लाई, वरना मैं तो महलों में राज करती राज। ये तकदीर क्या चीज होती है मम्मी? वो चीज जो सारी दुनिया को उंगलियों पर नचाती है। वैसे कमबख्त बाप लोग भी कम नहीं होते, जहाँ जी चाहा वहाँ बेटी को ढकेल देते हैं। लेकिन तू अपने बाप की बातों में ना आना, अपनी पसंद के लड़के का हाथ पकड़ कर शादी करके चैन से रहना। अगर वो तुझसे शादी ना करे तो चक मार देना। क्यों? अरे कहाँ गई? ए डैडी। अरे पिंकी बेटे तुम तो मम्मी के पास सो रही थी ना? नहीं मैं मम्मी के पास नहीं सोऊंगी। क्यों? मम्मी मेरी बात का जवाब तो देती नहीं है, जाने क्या क्या बोलती है। अरे मगर तुमने पूछा क्या था? मैंने पूछा मेरा नाम शारदा है और डैडी मुझे पिंकी कह के क्यों पुकारते, बोलो ना आप मुझे शारदा कह के क्यों नहीं पुकारते, बोलो ना डैडी। मैडम आपका नाम? शारदा। कब तक मिल जाएगी मुझे एड्रेस? यही कोई दो महीने में। क्या? ना बाबा ना, जैसे भी हो मुझे तो एड्रेस एक हफ्ते में चाहिए। हाँ सॉरी मैडम, आप इस शहर में नहीं लगती हैं, तभी शायद आपको नहीं मालूम इस दुकान के सिले हुए कपड़े पहनने के लिए शौकीन लोग महीनों ही नहीं सालों तक इंतजार कर लेते हैं। सालों तक होगा, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। लाई मेरे कपड़े वापस। क्या हुआ शारदा, कितने दिन में सीने को कह रहा है? दो महीने में। What?
नहीं सिलाने अपुन को तुमसे कपड़े। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो। मैडम प्लीज गिव मी अ चांस, मैं आपके कपड़े सी दूंगा, प्लीज मैडम। अरे तुम चीज क्या है, बोलता तो इंग्लिश में है लेकिन स्टिचिंग का वास्ते ऐसा कपड़ा मांगता है जैसे कोई भिखारी है। ए, कहाँ है आपकी दुकान? वो रही। ओ गॉड, उस कबाड़ खाने को तुम दुकान कहते हैं मैन? सॉरी मैडम, आपके लिए वो कुछ भी होगी लेकिन मेरे लिए वो दुकान है, मेरा मंदिर है। मंदिर? मुझे तो पुराने कपड़े और पुरानी मशीन की बू यहाँ तक आ रही है। छी छी छी, नहीं नहीं नहीं, चल अपन लंदन टेलर के पास चलते, चल। आप सब पढ़ी लिखी हैं, जानती ही होंगी कि पुरानी कलम से भी नई और खूबसूरत शायरी लिखी जा सकती है। किधर में से लाया? स्टाइलो में? नो। लंदन टेलर्स में? नो। लाइट ऑफ बॉम्बे में? नो। मैग्नेट में? नो। ओफो, नो नो नो। तो क्या ये ड्रेस आसमान से टपके लाए? आप सब तो पढ़ी लिखी हैं, जानती होंगी कि पुरानी कलम से भी नई और खूबसूरत शायरी लिखी जा सकती है। नो, आई कांट बिलीव इट। मिस्टर प्रकाश, मेरे फ्रेंड्स को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप ही ने मेरा ड्रेस सिया है। इस ड्रेस की कोई कतरन वतन है आपके पास? कतरन? कतरन, बचा हुआ कपड़ा? ओ, वो तो रहा नहीं। रहनी? रहनी क्या मतलब? मतलब ये कि एक मिनट। फैंटास्टिक! ओह माय गॉड! जब कतरनों से इन्होंने ये कमाल कर दिखाया है तो नए कपड़ों के साथ ये क्या कमाल करेंगे? देखिए ये भाई साहब, जरा अपना ये पाँव हटाइए, ये कोई जूते का स्टैंड नहीं है, मेरी मशीन है, मेरी रोजी रोटी है। तुझे रोजी रोटी देने ही तो आए हैं बेटे, चल जूता सी। ये कपड़ा सीने की मशीन है, जूता सीने की नहीं। तो फिर ये सुसरी किस काम की? अरे अरे, ये क्या गुंडागर्दी है? आपकी तारीफ? ये साले की वकील लगती है। वकील तो नहीं, माशूक जरूर लगती है। वैसे इश्क हमें भी करना आता है। हाँ छोड़। अगर ना छोड़ूं तो? जबू, शेरा, बिल्ला, तालिया, मार दो इसे। लगाते मेरी टांगें टूट गई। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है।
अरे ओ छोटू, ये सारा सामान बर्तन समेट ले, किराया वसूल हो जाएगा। मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दया करो, ऐसा मत करो मालिक। क्या तुम्हारे ऊपर दया करूं? अरे क्या मैं पागल हूँ? अरे वो देखो, तुम्हारा लाडला भी आ गया, किराए के लिए पैसे नहीं और टैक्सी में घूमता है। अरे ये क्या हो गया बेटा, चोट कैसे लगी भैया? कुछ नहीं, यूं ही। देखिए सेठ जी, बहुत जल्द मैं आपका किराया चुका दूंगा। अरे जा जा, नंगा क्या नहाएगा और क्या छोड़ेगा। इस मुसीबत की घड़ी में आपने अपने छत का साया हमारे साथ बांटना चाहा, ये आपका बड़कपन है, एहसान है। लेकिन किसी का एहसान भी तभी लेना चाहिए जब उसे उतारने की खुद में ताकत हो। और मेरे जैसा इंसान जो अपनी मशीन की टूटी हुई सुई बदलने के बारे में 10 बार सोचता हो, भला किसी का एहसान कैसे उतारेगा, खास तौर से इस हाल में जब उन बदमाशों ने मेरी मशीन तोड़कर मेरे जीने का आखिरी सहारा भी छीन लिया। मशीन टूट गई तो क्या हुआ, दिल नहीं टूटना चाहिए, आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। जब तक किसी के पास ये दौलत है, उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। क्या है भैया? यह है अंग्रेजी में इनविटेशन कार्ड और हिंदी में निमंत्रण पत्र। श्रीमान शंकर दयाल MA LLB solicits the presence of your company to grace the wedding ceremony of his sister Sharda with to be announced later. To be announced later? Yes. क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तेरे दिमाग या दिल में कोई है तो उसका नाम यहाँ भर दे to be announced later में। वरना? वरना बिन दूल्हे की शादी में आए हुए तमाम मेहमानों में से किसी एक को चुनकर तेरा दूल्हा बना दूंगा। नमस्ते। अरे नमस्ते, आइए ना। हेलो। जब दो लोग आपस में पहली बार मिलते हैं तो इनका इंट्रोडक्शन ना कराना कानूनन जुर्म है। ये मेरे शंकर भैया हैं। आई एम प्रकाश। प्रकाश? अच्छा अच्छा, तो आप वही प्रकाश है जिनकी तारीफों के पुले चिट्ठियों में बांधती रहती है। भाई बड़ा नाम सुना है आपका, सुना है कि देखते देखते आप खाकपति से लाखपति हो गए। जी, ये सब इनकी मदद और प्रेरणा से हुआ है। आपकी मदद और प्रेरणा से हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा, शादी वादी हो गई क्या? जी, घर में जवान बहन के होते हुए मैं अपनी शादी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। अरे मार डाला, अरे मार डाला। क्या हुआ भैया? अरे अपनी बहन की शादी की बात करके कमबख्त ने मेरी दुख तिरक पर हाथ रख दिया है। अब ऐसा करते हैं, तुम अपनी बहन के बारे में सोचो और मैं अपनी बहन के बारे में सोचता हूँ। सोचो तो जरा। ये ऐसे ही है, कहिए कैसे आना हुआ? वो डिजाइन्स के बारे में डिस्कस करना था। मैं अब स्केचेस ही कर रही थी, कल तक तैयार हो जाएंगे, आप ले जाइएगा उन्हें। जी, मैं चलता हूँ। अब चाय पीजिएगा? जी नहीं, फिर कभी। ओके बाय। बाय बाय बाय। हाय बाय भैया। भाई वाह, बगल में लड़का शहर में ढिंडोरा, सुशील लड़का है, ऐसे सुपात्र के रहते किसी दूसरे को खोजना कानूनन जुर्म है। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है मुन्नी, और जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर कर। झटपट कार्ड पर दूल्हे का नाम लिख दे, मैं शादी की तैयारियां करता हूँ। मेरी प्यारी बहनिया बने। आपने मुझे बुलाया? मैं सोच रही हूँ अपना ट्रांसफर करवा लूँ। कहाँ? कहीं भी। लेकिन लेकिन क्यों? आप तो जानते, मेरे भैया पुणे में रहते हैं और पुणे यहाँ से बहुत नजदीक है। जब जी चाहे चले आते हैं और बस एक ही रट लगाए रहते हैं, शादी कर लो शादी कर लो। अब आप ही बताइए ना, दूल्हे कहीं रास्ते में तो पड़े नहीं मिल जाते कि मैं फौरन हाँ कह दूँ। शंकर भैया का सोचना गलत नहीं है, शादी तो आपको कर ही लेनी चाहिए। अच्छे लड़कों की भला आपके लिए क्या कमी हो सकती है? हाँ, लेकिन अच्छे लड़के भी तो यही सोचते होंगे ना कि उन्हें अच्छी लड़कियां मिले।
मुझ में ऐसी खूबियां कहां जो किसी का मन जीत सके। क्या कहती हैं आप, वो तो कोई खुश नसीब ही होगा जिसे आप जैसी पत्नी नसीब होगी। आप भी एकदम खजूर पे चढ़ा देते हैं, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम और भी है। बेसिकली आई एम अ करियर कॉन्शियस पर्सन। मान लीजिए मेरी शादी हो गई और मेरा ट्रांसफर हो गया, तो फिर या तो मुझे घर और पति छोड़ना पड़ेगा या फिर अपना करियर। ये भी तो हो सकता है कि आपका पति आपकी खातिर सब कुछ छोड़कर आपके साथ चल पड़े। मान लीजिए ऐसा कोई हो भी तो जरूरी नहीं कि वो मुझे अच्छा लगे, मुझे पसंद आए। अच्छा आप ही बताइए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा जीवन साथी मुझे मिलेगा? मुझे पूरा विश्वास है जैसा आप चाहती हैं वैसा जीवन साथी आपको एक दिन जरूर मिलेगा। जैसा आप चाहती हैं वैसा जीवन साथी आपको एक दिन जरूर मिलेगा। झुका पहले नजर नजर से मिला मुझको शराब पिया कैसे मैं कहूं
के यूं न पल के झुका, पहल नजर नजर से मिला। ऐसे ना साजना दिल धड़का, दिल में है क्या तेरे मुझको बता। खत पढ़ाओ सजनी, मैंने तेरा खत पढ़ा। मैंने तुझे खत लिखा सजना, मैंने तुझे खत लिखा। जानते हैं कि मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं कि आपका नाम लेकर भी पुकार नहीं सकता। आप तो मेरे लिए देवी हैं। देवी को मंदिर में बिठाकर पूजा तो की जा सकती है, लेकिन उसे घर की शोभा नहीं बनाया जा सकता। डैडी डैडी, आपने बताया नहीं, आप मुझे मेरा नाम लेके क्यों नहीं पुकारते? क्या आप अपनी टीचर को नाम लेकर पुकारती हैं? टीचर को कोई नाम लेके पुकारता है? बिल्कुल ठीक बेटे, जिनकी हम इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं, उनका नाम लेकर उनका अपमान नहीं किया जाता। साहब, अभी कितनी देर और लगेगी? अरे भाई, अभी टोकन दिया है, कैश का मामला है, टाइम तो लगेगा। चलो चलो, सबर करो, दिमाग मत खाओ। साहब, आपको मैडम ने बुलाया। अबे देखता नहीं, मैं बिजी हूँ। साहब, अबे जाके कह दे उससे मैं काम कर रहा हूँ, चल। मैडम ने बोला आज से आपको कोई काम नहीं। क्या काम नहीं है? उसके बाप का राज है क्या? तुम्हारी उस मैडम की बच्ची को आए हुए जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं, और लगी हम पे रोक जमाने। उसको मालूम नहीं है मेरा नाम गुलशन है, मिस्टर गुलशन। मिस्टर गुलशन, अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए। शिकायतें तो तुम्हारी मैंने काफी सुनी थी, यही कि तुम 420 हो, जालसाज हो,
काम चोर हो, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया कि तुम छोटे छोटे कामों के लिए अपने कस्टमर्स को कितना तंग करते हो, और वो भी अपनी अय्याशी की खातिर। इस तरह सबके सामने मेरी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं है। मेरा क्या हक है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और उसी हक से मैं तुम्हें तुम्हारे काम से अभी इसी वक्त डिसमिस करती हूँ। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, तुमने कह दिया यार, गुलशन डिसमिस हो गया, और वो भी बगैर किसी नोटिस के। नोटिस की कोई जरूरत नहीं, ये रहे तुम्हारे इमीडिएट रिलीविंग ऑर्डर्स। ये हुई ना बात, जरा हटके। गुलो, तू तो ऐसे मातम मना रहा है जैसे किसी नेता की कुर्सी छूट गई हो। अबे मैं तो अपना मरसिया पढ़ रहा हूँ। अरे औरत जात, तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा। माँ महबूबा मैनेजर ने गुलशन को तोड़ा। छोटा था तो जुआ खेलते देख के माँ ने घर से निकाल दिया। पढ़ा हुआ तेरी बहन से इश्क किया तो उसने मेरे मुंह पे थूक दिया। तू और अब ये मैनेजर, मैनेजर दिल तो करता है रेड रोज के राजेश खन्ना की तरह दुनिया की तमाम औरतों को खत्म कर दूं, खत्म कर दूं। छोड़ मुझे शराबी का यार। छोड़ पर तुझे नहीं, तेरी लाश को। मेरी कोई गुनाह नहीं किया। अरे तेरे चक्कर चल रहा है, मैं सब जानूं। सब बोल दे तो मैं छोडूंगा। अरे अरे अरे, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मुझे बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। मुझे बचा लो। अरे भगवान, मैं तो कंटाल गया रोज रोज के झगड़े से। सूरज बाद में निकलता है, पहले किटकिट शुरू हो जाता है। ओ भैया बस करो ये कंगी, चलो पता करो मामला क्या है। पकड़ो। ए क्या? अरे वो खर्चा क्या हो रहा है ये? अरे बाबू तुम कहाँ से आ गए फटरी में टांग अड़ाने वाले? ए जबान संभाल के, तू शायद जानता नहीं कि बीच सड़क में भाजी का ठेला खड़ा करना और भाजी वाली को पीटना कानूनन जुर्म है। अरे परे हट, नहीं तो तुमने भरे बाजार में एक बेचारी औरत को मारा। तुम आदमी हो या जानवर? क्या लगता है ये तुम्हारा? मेरा घर वाला। अपनी बीवी को बेरहमी से मारना क्या अच्छी बात है? उसी की आबरू उतारना जो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करती है। तुम्हारे लिए खाना पकाती है, तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करती है, उनकी देखभाल करती है। आखिर इस बेचारी से ऐसा क्या हो गया जो तुम उसको पीटे जा रहे थे? और इस तरह पीटे जाना कानून? तुम्हारे कानून की ऐसी तैसी, पहले उस सामने के घरवाली औरत से तो पूछो। अरे ओ बेवड़ा, पहले ये बता तू मुझे औरत कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं लेडी हूँ लेडी। आइंदा तूने मुझे कभी औरत कहा तो मैं तेरी बत्ती से निकालकर हथेली पे रख दूंगी। बेशर्म कहीं का, कितने मजे से कहता है, सामने वाली औरत से पूछो। अरे साले, मैं क्या तेरी नौकर हूँ जो तू ऐसे बोलता है? चोरी और सीना चोरी, एक तो तेरी औरत मेरे सुंदर पति पर डोरे डाले और मैं चुप रह जाऊँ? अरे भाई ये कहाँ का इंसाफ है हा? ये लोग क्या बोलेंगे, ये तो मुझसे जलते हैं। लगता है आप लोग यहाँ नए आए हैं, कम से कम आप तो न्याय की बात कीजिए। आपको न्याय मिलेगा, एक तो बिना नोटिस दिए इनको यहाँ बुला लेना, और ऊपर से इनको औरत कहना, ये कहाँ का इंसाफ है? भैया आप ही बताइए मामला क्या है। देखो सारी दुनिया को इस औरत ने 4.5 रुपए किलो के भाव में बैगन बेचे, मुझे भी इसी भाव में बैगन तोल रही थी। अचानक अंदर से मेरे पति बाहर आए, उन्हें देखते ही इसकी बांछें खिल गई और ये चुड़ैल बोली, अरे साहब ये आपका घर है, फिर तो मैं बैगन में 8 आने कम कर दूंगी। तुम ही बताओ, कोई यूं ही पैसे घटा देता है? अगर मैंने इस भाजी वाले को बता दिया कि इसकी बीवी और मेरे पति का चक्कर है तो मैंने क्या कोई जुर्म कर दिया? ना, ये जुर्म नहीं है, लेकिन अपने पति का भाव 8 आना लगाना ये कानूनन जुर्म है। ओ तारिनी, इसका मतलब है बात में कुछ दम है हो? क्योंकि 4.5 रुपया किलो का जो रिंगड़ा है उसमें इसने 8 आना कम क्यों किया है? पूछो पूछो, इसी से पूछो। मैं क्या बात है? मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, बनिए का बहुत सारा कर्जा सर पे चढ़ गया था। उसने धमकी दी अगर जल्दी पैसे नहीं लौटाए तो मेरे बर्तन भांडे उठा के सब बाहर फेंक देगा। ऐसी घड़ी में सामने वाले साहब ने भगवान बनके मेरी मदद की, इसी वास्ते ये सब। तमाम बयानों से ये साबित होता है कि जो असली मुजरिम है वो खुद को कमरे में बंद किए बैठा है और ये कानूनन जुर्म है। अरे ओ प्रकाश भाई, ओ भाई साहब जरा बाहर आओ, नहीं तो ये वेंगण वाला केस अदालत तक पहुंच जाएगा। Thank you.
नमस्ते माँ जी। हा? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं शारदा हूँ। अरे और ये पिंकी है आपकी पोती। हाँ तुम शारदा हो? मैं यहाँ बाजू में रहती हूँ, आप चलिए ना। आइए आंटी, इस भिखारन को आपने घर में क्यों घुसने दिया? पिंकी उसे क्यों डांटती हो बेटी, बच्चे को तो जैसा सिखा वैसा ही सीखता है। पिंकी बड़ों से इस तरह बात करते हैं? मैं नहीं कहती, मम्मी कहती है। ये बार बार डैडी से पैसे मांगने आती है ना, इसलिए भिखारन है। माँ जी ये सब क्या है? कहते हैं वक्त और तकदीर से जीतना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से प्रकाश ने वो भी कर दिखाया। लेकिन फिर न जाने किसकी नजर लग गई, मेरे घर की खुशियों को अचानक ग्रहण लग गया। मैं समझी नहीं माँ जी। बहन भाई का प्यार तो तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है। प्रकाश ने हमेशा यही चाहा कि उसकी बहन खुश रहे, लेकिन हमारे नसीब में कुछ और ही लिखा था। एक दिन पता चला कि ज्योति माँ बनने वाली है। दीपक जवाहर कॉलोनी में रहता है, बाप का नाम मनोहर लाल वर्मा। दीपक अरे कौन है? छोड़ दूं? ऐसे बदमाश के तो गला घोट देना चाहिए जो मासूम लड़कियों को अपनी हवस का खिलौना बनाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। मगर मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मेरी बहन से शादी करनी पड़ेगी। ये बता कि तू है कौन? बता अपनी माँ को कि मेरी बहन तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इतना बड़ा झूठ! मेरे लाल ने तो कल ही से तोती को रोटी बोलना शुरू किया है, और वो तो लड़कियों से बात करते हुए बताता है। अरे बोलने ये सब झूठ है। झूठ नहीं माँ, सब सच है। क्या? हाँ। चल, चल, अंदर चल। अरे नाचपीते, कुछ करने से पहले सोचना तो चाहिए था कि पार्टी कैसी है। मांग भरवाने से पहले हमारी मांगे पूरी कर सकते हैं या नहीं? अरे माँ लखपति है, लखपति। क्या? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हटो। मैंने इसे बात कर ली है, ये शादी के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर, आपको 7 फेरों की कीमत चुकानी होगी। क्या कह रही हो? तुम चुप रहो जी। हाँ हाँ, तो पहला फेरा मेरे लिए 1100 साड़ियाँ जरी की। दूसरा फेरा तब होगा जब मेरे हाथ पर 100 तोले सोना रखो। तीसरा फेरा 5 लाख रुपए नकद। चौथा फेरा टिप टॉप सजाई हुई कोठी। और पांचवा फेरा हाँ, इसके लिए एयर कंडीशन कार। छठा फेरा तुम्हारा कारोबार हमारा हो। और सातवां फेरा वो मैं बताता हूँ, तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी होगी। तुम चुप रहो बुढ़ाओ, मैं जो कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ। अरे तेरी बुद्धि खास चलने गई है क्या? जब ये अपना सब कुछ हमें दे ही रहा है तो मेरी बेटी इस कंगले के घर में जाके सूखे संग बजाएगी। तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, जब सारे कारोबार का मालिक मैं बन जाऊंगा तो इसे अपने यहाँ नौकर रख लूंगा। क्या ठीक है ना भाई, हमारी सारी शर्तें मंजूर है ना? जी। इस तरह अपनी बहन की खातिर मेरे बेटे ने अपना सुख, अपना सम्मान, अपनी दौलत सब कुछ दांव पर लगा दिया। इतने पर भी मेरी बहू ना अपने घर को घर मानती है, ना अपने पति को पति। ऐसे माहौल में मेरा वहां रहना कैसे होता बेटी? फिर भी माँ होना, जब भी बेटे को देखने को आंखें तरस जाती है चली आती हूँ। अगर आप माँ हैं तो प्रकाश भी तो आपके बेटे हैं, क्या उनका कभी जी नहीं जाता कि आपसे मिले, आपके दुख दर्द पूछे? कैसी बातें करती है बेटी, मौका मिलते ही प्रकाश मेरे पास सिर्फ आता ही नहीं, महीने के खर्चे के पैसे भी दे जाता है। कहने को तो जिंदगी चल ही रही है, लेकिन ये भी कोई जिंदगी है? फिर आइएगा माँ जी, आप ही का घर है। हाँ बेटी जरूर आऊंगी, तुमसे बातें करके मन का बोझ हल्का हो गया। अच्छा अच्छा, ए, जरा सुनो तो,
इधर आना इधर। अभी अभी जो औरत टैक्सी में गई वो कौन थी? क्यों, क्या बात है? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी कि जो औरत मेरे दरवाजे आई उसे तुम अपने घर ले गई, खाना वाना खिलाया, बड़े प्यार से विदा किया। मुझे ऐसा लगा कहीं वो तुम्हारी सास तो नहीं। अरे, क्या बात करती हो, आजकल के जमाने में कोई बहू अपनी सास को पूछती भी है? मैं उनको अपने घर में लेके गई, उनकी खातिरदारी की, तो भला वो मेरी सास कैसे हो सकती है? लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, कहीं वो तुम्हारी सास तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं, अच्छी तरह सोच के जवाब देना, मैं घर में ही बैठी हूँ। पिंकी बेटे, अरे पिंकी बेटे, तुम रो क्यों रही हो? मम्मी ने मारा। जरूर तुमने कोई शरारत की होगी। नहीं डैडी। तो फिर क्यों मारा? पता नहीं डैडी। डैडी एक काम करो, मेरा नाम बदल दो प्लीज डैडी। मगर क्यों बेटे? मम्मी मुझे रात दिन शारदा चुड़ैल, शारदा डायन कहती रहती है। तो शुरू हो गई चुगलखोर अपने बाप के कान भरने। कैसी हो तुम रूपा, अच्छा भला नाम है बच्चे का, लेकिन तुम उसमें गाली जोड़े बिना बात ही नहीं करती। मैं तो समझी थी तुम्हें बच्ची के पिटने का दुख हो रहा है, लेकिन नहीं, तड़प तो तुम इसलिए रहे हो कि मैंने उसके नाम को गाली दी। मैं पूछती हूँ, इस नाम से तुम्हें इतना लगाव क्यों है? क्या इस नाम की कोई चिड़िया तुम्हारे सगे वाली लगती है? हाँ, मैं दीवारों से बात नहीं कर रही, तुमसे कर रही, तुमसे। अरे, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? मेरे पास तुम्हारी बेमतलब की बातों का कोई जवाब नहीं। जरा से बच्चे को भी जिस बात का मतलब समझ में आ जाए उसे तुम बेमतलब कहते हो। बगल वाले घर में जो औरत रहती है उसका नाम शारदा है, यही नाम तुम्हारी बेटी का भी है, क्या इसका कोई मतलब नहीं? बगल वाली तुम्हारी माँ को अपने घर में ले गई, चूस चूस कर खाना खिलाया, क्या इसका कोई मतलब नहीं? टैक्सी में बिठा कर उसे ऐसे विदा किया जैसे अपनी सास को विदा कर रही हो, क्या इसका कोई मतलब नहीं? मतलब है, मतलब ये कि उस वक्त तुम घर में नहीं थी, मतलब ये कि तुम किसी सिनेमा हॉल या शॉपिंग सेंटर की खाट छान रही थी, और मतलब ये कि तुम अपनी सास को सास नहीं एक फटियाल भिखारन समझती हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो तुम्हारा मतलब है वो पराई औरत सही और मैं गलत? ठीक है, कल तुम्हें इस बात का जवाब भी मिल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। अरे भाई, ये सेब तो हटाइए, इसमें दाग है। अरे बीबी, ये तो एक ही दाग है, वो भी सेब पर, पर अगर किसी औरत पर दाग लग जाए तो इसका कोई क्या करे? हाँ, आप ही शारदा देवी हैं? जी हाँ, क्यों? कुछ खास नहीं, मैं तो ये जानना चाहता था कि जो कुछ आपके बारे में सुना है वो सच है ना? तुम्हारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है? क्यों, क्या बात है? बहन, घर में कोई समझदार बुजुर्ग होता तो अब तक तुम्हारे हाथ पीले होते और इन अफवाहों का मुंह बंद कर देता। अफवाहें? कैसी अफवाहें? यही कि बाजू वाले घर के मर्द के साथ तेरा नाजायज रिश्ता है तो उसकी। भैया, और जानती इस बात का ढोल कौन पीटता फिर रहा है? खुद उसकी बीवी, और इसमें मैं उसकी कोई गलती नहीं मानता। अगर फूल को वक्त से ना तोड़ा जाए तो वो डाली पे पड़ा पड़ा एक दिन तो मुरझा जाएगा ना। दरअसल गलती मेरी है जो तेरी बात मान ली और तू आज तक कुंवारी बैठी है। अगर तेरा अपना पति होता, अगर तेरा अपना घर होता तो मजाले कोई तेरी तरफ उंगली उठाता? भैया, आज की पढ़ी लिखी समझदार औरत को अपना सम्मान बचाए रखने के लिए अगर घर और पति के कवच का ही सहारा लेना पड़े तो बेकार है उसका पढ़ना लिखना, और बेकार है उसको देवी दुर्गा या शक्ति कहना। तेरी 21वीं सदी की बातें 20वीं सदी के समाज को नहीं समझ में आने की, और समाज को बदलने की कोशिश करना कानूनन जुर्म है मुन्नी। अब तेरी शादी होकर रहेगी। मौसी, मौसी, इन बगल वालों की आज कुछ है क्या? सुना है लड़की देखने आए हैं। लड़की? हाँ। कौन सी लड़की? अरे वही शारदा। हाँ। लड़की क्या, औरत है, पूरी औरत। ये भी कोई शादी की उम्र है? नहीं नहीं बहन, ऐसा मत कहो, शादी होकर ये यहाँ से टले तो अच्छा है,
जिस दिन इसका यहाँ से काला मुंह होगा मैं तो प्रसाद चढ़ाऊंगी। उसके भी आके तुझे क्यों इतनी फिक्र? इसलिए कि इस चुड़ैल की शादी हो और मेरा घरवाला इसके चंगुल से निकले। भगवान ही भला करे उस मोहल्ले वालों का जहाँ ये ब्याह कर जाएगी। अरे आइए आइए। नमस्कार, आप बाहर क्यों खड़े? अंदर जरा ठहरो। भैया बेटा अभी बाप का ही है, पहले से सब कुछ सोच लेना ठीक रहेगा। सुनो जी, हाँ जी, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। वरना इतनी बड़ी लड़की इतनी उम्र तक कुंवारी थोड़ी बैठी रहेगी। हाँ, हाँ, मैं तो कहती हूँ कुछ बहाना बना के चले चलो यहाँ से। ठीक है। बात क्या है बेटे, मेरे बड़े भाई भी शुभ अवसर पर आने वाले थे लेकिन अभी अभी पता चला है कि वो आ नहीं सकते और हमारे यहाँ उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए आज की रस्म किसी और दिन रख ली जाए तो ठीक रहेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? सारा प्रोग्राम तय हो जाने के बाद उसे मुलतवी कर देना कानूनन जुर्म है। लेकिन एक ऐसी लड़की को जिसके बारे में लोग बाग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, चालाकी से उसे किसी के गले बांध देना ये भी कानूनन जुर्म है। लेकिन आपने ये कैसे मान लिया कि लोग बाग जो बकवास कर रहे हैं वो सच है? बिना आग जले धुआं नहीं उठता, कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैं बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो भाई? हम तुमसे तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें लड़की पसंद नहीं है, हम तुमसे ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि लड़की का चाल चलन कैसा है, और हम तुमसे ये भी नहीं पूछ रहे कि लड़की आज तक कुंवारी क्यों बैठी हुई है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं फिलहाल ये रस्म नहीं हो सकती क्योंकि शुभ घड़ी बीत चुकी है। हाँ हाँ, चलो जी। मेरी बात तो सुनिए आप। देखिए सुनिए, आप जरा नीचे आएंगी? ऊंचाई पर पहुँच कर नीचे उतरना मेरी आदत नहीं। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है। तुम्हारी बातों से जरूरी इस वक्त मेरा ये काम है। देखी नहीं मैं बाल बहा रही हूँ? वैसे भी मुझसे अकेले में तुम क्या बातें करोगी? बातें करनी है तो मेरे पति से करो, सारी दुनिया को तमाशा दिखाओ। देखो बात को ज्यादा न बढ़ाओ, तुम पहले अपने पति और मुझको लेकर लोगों को काफी भड़का चुकी हो। बात तो तुम खुद बढ़ा रही हो, यहाँ से फौरन चली जाओ वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम कितनी चालू चीज हो। यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि दुनिया की नजरों में आखिर तुम मुझे क्यों गिराना चाहती हो? बड़ी भोली बनती है। अगर तेरी नीयत इतनी ही साफ है तो रहने के लिए तूने यही जगह क्यों चुनी? अपने झूठे लाड प्यार से मेरी बेटी में जादू क्यों डाला? मेरी सास की इतनी लल्लू चप्पू थी, मेरे पति को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए ना? ये सरासर झूठ है, गलत है। मुझे झूठा ठहरा कर तू मेरा मुंह तो बंद कर देगी, क्या समाज का मुंह भी बंद कर पाएगी? समाज के कान भरने वाली भी तो तुम ही हो, तुम्हारे एक झूठ ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तू अपने आप को बहुत पवित्र समझती है। मैं क्या हूँ ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे तो तुमसे सिर्फ इतना कहना है कि तुम अपनी फैलाई झूठी अफवाहें वापस ले लो और अपनी गलती सबके सामने कबूल कर लो। ना मैंने कोई अफवाह फैलाई ना कोई गलती की, मैं तो डंके की चोट पर आज भी यही कहूंगी, तू मेरे पति की रखेल है, रखेल है, रखेल है। अरे जाओ ना। देखो बहन मेरे को गलत मत समझना लेकिन जिस जगह बदनामी हो ना उधर रह के कोई फायदा नहीं है। हाँ मैं तो कहता हूं ये घर खाली कर दो, कहीं और चले जाओ, क्योंकि जिधर शक घुस जाता है ना खुशी उधर से अलविदा बोल के चली जाती है। नहीं गलत मत समझना बहन।
उठते तूफान का अंत करने के लिए तूने जो रास्ता चुना है मुन्नी, वो ठीक नहीं है। यह अंत नहीं है भैया, शुरुआत है। न्याय की यह लड़ाई मैं इसलिए लड़ना चाहती हूँ कि आइंदा किसी मासूम और शरीफ लड़की को बदनामी और झूठी तोहमतों की खाई में न धकेल दिया जाए, मेरी तरह। लेकिन मुन्नी मेरी बात तो सुन। भैया चलो। बाधा नहीं डालनी चाहिए, इतना भी नहीं जानते दीदी। दीदी, मैं और तेरी दीदी? हाँ, तुम इस घर में पहले आई और मैं बाद में, तो तुम मेरी दीदी हुई ना। आज से तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। आज से ये घर हमारा, ये बच्ची हमारी, और वो यानी पिंकी की डैडी हमारे पति। क्या कहा बेशरम, हमारे पति? हाँ, मेरे और तुम्हारे सांझे पति। हाँ, देखो दीदी, तुम हो उनकी ब्याहता और मैं हूँ रखेल। हाँ, हम उसमें क्या, सात फेरे हुए या ना हुए, पति तो हम दोनों के हुए ना। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे बात पूछनी थी दीदी। हाँ, हमारे पतिदेव है कहाँ के, पंजाब के, गुजरात के, बिहार के, या कहीं के भी हो तुम्हें क्या? वो क्या है ना दीदी, अगर ये पंजाब के हैं तो मैं उन्हें यूं पुकारूंगी, मैं के गर्ल सुनो जी, रोटी तैयार है। और कहीं ये गुजरात के हैं तो मैं यूं कहूंगी, हरिओ धनी जी, जम्मो पधारो जी। और कहीं ये बिहार के हैं तो मैं कहूंगी, अरे ओ पिंकी के बापू, रोटी तैयार हो गई रे, झटपट आ जा। तुम सोच रही होगी दीदी कि मेरे और इनके बीच में ये खाने का चक्कर कहाँ से आ गया। बड़े बड़े महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि अगर किसी स्त्री को अपने पुरुष का मन जीतना हो तो उसके लिए दो ही रास्ते हैं, एक खाने का और दूसरा सोने का। यू? हाँ दीदी, उस मामले में तो वो मेरी मुट्ठी में है ही। अब कोशिश ये है कि खाने के मामले में भी मैं उनको खुश कर दूं और हमारा पति बस मेरा पति बनकर रह जाए। चलो मैं किचन में, चलो। तेरी मजाल, एक तो मेरे घर में घुसाई, ऊपर से मेरे पति को अपना पति कहे जा रही है। और तेरी ये मजाल कैसी हुई कि तूने मुझे अपने पति की रखेल कहा? कहा और आगे भी कहूंगी, एक बार नहीं हजार बार कहूंगी। अगर पाँच मिनट के अंदर तू इस घर से नहीं निकली तो मैं इस मोहल्ले या शहर में ही नहीं सारी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी। कहाँ चली जाऊँ? हाँ, तेरी मेहरबानी से शहर में अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। एक तो अकेली औरत, ऊपर से बदनाम, कौन रहने देगा मुझे? हाँ, अगर ये मेरे साथ है तो कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। कहो तो अपने पति को मैं अपने साथ ले जाऊं दीदी? बस साथ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक शरीफ और इज्जतदार औरत के चरित्र पर बेबुनियाद शक की गाली पोत कर बहुत बड़ा पाप किया तुमने। चलो माफी मांगो इसे। यहाँ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। इसने भरे बाजार मुझ पर कीचड़ उछाली, मुझे जलील किया, बदनाम किया है। ये अपनी बेटी के सर पर हाथ रख के सबके सामने कसम खाए कि इसने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सफेद झूठ था। जब तक ऐसा नहीं होगा मैं किसी कीमत पर यहाँ से नहीं जाऊंगी। पिंकी, बेटे मम्मी को लेकर बाहर जाओ। चलो ना मम्मी। छोड़ दंबक, बीवी ने हजार गलतियां की हो फिर भी पति का क्या ये फर्ज है कि गैर औरत के लिए वो अपनी बीवी को माफी मांगने पर मजबूर करे? तुम अपने आप को पति कहते हो? पति? शादी शुदा होकर भी तुम ये भूले रही कि तुम्हारा एक पति भी है तो ये तुम्हारी भूल थी। और अगर आज मैं भी तुम्हें एहसास न दिला दूं कि मैं तुम्हारा पति हूं तो ये मेरी गलती होगी।
इससे पहले कि मैं पति के अधिकारों को इस्तेमाल करूं, तुम चुपचाप इनसे माफी मांगो। कभी नहीं, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे जीते जी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं इस घर से कहीं और चली जाऊं। मुझे धक्के मार कर निकालना आता है और एक दिन मैं तुझे निकाल कर आऊंगी, देख लेना। सच्चाई उगलवाना मुझे भी आता है और एक दिन मैं तुम्हारे मुंह से उगलवा कर ही रहूंगी, तुम भी देख लेना। देख लूंगी, मैं भी देख लूंगी। कहाँ चले भैया? माफ करना बहनिया, हम यहाँ पे प्रकाश बाबू का घर समझ के आए रहे। ये उन्हीं का तो घर है। आए। चलो दूध नापो। रोज कितना दूध देते हो भैया? एक लीटर। आज से हम 1.5 लीटर लेंगे, आधा लीटर और डालो। का कह तो बहनिया। क्या हुआ? अरे मैम साहब तो एक ही लीटर दूध का पैसा देने में तमाम हुज्जत करते हैं, तभी आधा लीटर दूध का पैसा कौन दे? मैं दूंगी। आए। अच्छा अब समझे, तुहार ई घर से कोनो नाता रिश्ता है का? हाँ ठीक समझे हो भैया, नाता रिश्ता है और ऐसन वैसन नहीं, एकदम खासम खास। वही जो मुनिया की महतारी है ना, रूपा देवी, हाँ उनके उनसे हमार बहुत गहरी नातादारी है। हाँ मुला, मुन्नी की महतारी और हम समझ लो बहन बहन लागत है। वो बड़की हम छिटकी। मुन्नी की बापू हमको ऐसन मानत है, ऐसन मानत है जैसे दुई आंखें। और तो और भैया उनकी बिटिया भी हमको अपनी अम्मा मानत है। हाँ तो ई रिश्ते से तो हम इस घर की मालकिन खुद ब खुद हो गई ना। क्या समझे? नहीं समझे। तुहार नाते रिश्तेदारी ने तो हमारी खोपड़ी आई खाली कर डाली। इल्लो जितना चाहे निकाल लो और हमका माफी दियो। प्रेमा, ओ प्रेमा मेरी चाय लाओ, कहाँ मर गई? अब वहीं खड़ी रहेगी या अंदर भी आएगी? हा? अरे ये यहाँ नहीं है। ओह मैं उनके लिए चाय लाई थी, शायद मेरे कमरे में गए होंगे। चाय। मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहती हैं। यही ना कि जो कुछ भी आप कर रही हैं वो सही है या गलत। देखिए आपके इस धर्मयुद्ध में मैं तन मन से आपके साथ हूँ। अरे वाह क्या बढ़िया चाय है, शादी के बाद पहली बार इतनी बढ़िया चाय पीने को मिली। जी चाहता है बनाने वाले के हाथ। ओफो सुबह सुबह शुरू हो गए। घर गृहस्थी के लोगों को सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए। अभी 9 बजे है, 9:30 बजे से पहले आओगी तो नाश्ता मिलेगा, वरना नहीं। ओके दीदी। बेशर्मी की भी हद होती है, मैं पूछती हूँ इस हत्या की जड़ को घर से बाहर निकालोगे या नहीं? तुम्हारी बेसर पैर की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आंटी ला रही हूँ बेटा। आंटी जरा जल्दी लाना। मैं क्या मर गई हूँ जो आंटी आंटी चिल्ला रही है? बोल क्या चाहिए तुझे? तुम्हें किसी चीज का पता है? पहले डैडी मेरी चीज संभालते थे, अब आंटी। कम्बक आंटी होती कौन है? तुम्हारी छोटी बहन। क्या कहा? आइंदा इसे हाथ लगाए तो? तो क्या कर लेगी मेरा? तेरे दांत तोड़ के हाथ में रख दूंगी। शट अप, मैं इसे मारू पीटू या गला दबा दू, तू बीच में बोलने वाली होती कौन है? ये मेरी बेटी है। ओहो हो, मैं तो भूली गई थी कि ये तुम्हारी बेटी है। इसे अकेले तुमने ही पैदा किया था ना? बिल्कुल मैंने पैदा किया है, मैंने। अच्छा अच्छा, शादी से पहले या शादी के बाद? बदतमीज, तू ये कहना चाहती है कि बच्ची नाजायज है? छी 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 छी, इतनी बुरी बात मैं कैसे बोल सकती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पतिदेव के साथ शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद ही पिंकी पैदा हुई है। ये भी कोई पूछने की बात है? गुड,
तुम्हें तो दुनिया भर में गाती फिरती हो कि तुम्हारे पति और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है। तो सुनो, तुम और तुम्हारे पति के बीच कुछ कनेक्शन है, तुम्हारे पति और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है, तुम और तुम्हारे बच्चे के बीच कुछ कनेक्शन है, तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे के बीच कुछ कनेक्शन है। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पति और मेरे बीच तो कुछ कनेक्शन है ही, इसलिए उनकी बच्ची और मेरे बीच तो ऑटोमेटिक कनेक्शन है ना दीदी? भाड़ में जाए तेरे कनेक्शन और भाड़ में जाए मेरे दुश्मन। तू यहाँ से जाएगी या नहीं? जाए मेरे दुश्मन, तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। सबके सामने ये कहना होगा कि तुमने आज तक अपने पति और मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये बात कभी नहीं कहूंगी। तो फिर मैं भी ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पिंकी बेटे, आओ मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। ये लो पिंकी। अरे एक मिनट रुकिए जी, मुझे भी ऑफिस ड्रॉप करते हुए जाइएगा। ठीक है। अच्छा दीदी, किचन में मैंने दूध रख दिया है, जब जी चाहे पी लेना, और शाम को खाने पे इंतजार मत करना, हमें देर हो। अरे आओ ना। आई जी। ओफो, अच्छा दीदी बाय। मम्मी को फोन दो। क्या सब वैष्णो देवी चले गए और मुझे बताया भी नहीं? Damn it! Oh my God! तेरा दिमाग किधर है? जोकर फेंक डाला? अरे तुझे पता नहीं आजकल बहुत परेशान है बेचारी। क्यों? अरे सौ जो घुस आई है घर में छाती पे मूंग दलने के लिए। What? सौ? रूपा तुम हमको बताया नहीं? अरे हमारे होते हुए तेरे को कोई डरने का बात नहीं है। अरे अपनी गुड्डी तो बड़े बड़े शेरों को चूहा बना चुकी है। हाँ। और फिर उस गीदर से क्या डरना? हाँ। और जब गीदर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अरे अपुन तो उस चुड़ैल को तेरा घर से ही नहीं अक्का शहर से निकाल के बाहर फेंकेगा। कम ऑन गर्ल, चला चला। ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे डॉली, ये अचानक तेरा चेहरा नींबू जैसा पीला क्यों पड़ गया? अरे पीला भी कहाँ, वो तो खुद ही अपने आप निचोड़ नींबू हो गई है, एकदम पोकल। क्या हुआ डॉली? तो तुम ही हो जिसे देखकर हमारा ये गेंडा डरकर चला आया? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो हम ही काफी हैं। कम ऑन गर्ल। अरे ठहरो ठहरो रूपा, ये सच है कि अपुन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये भी सच है कि तुमसे पहले अपुन शारदा का बेस्ट फ्रेंड होता। शी इज अ वेरी वेरी नाइस गर्ल। डू यू नो तुम्हारे पति को फुटपाथ से उठाकर एक सक्सेसफुल आदमी बनाने वाला कौन है? ये फरिश्ता। आई एम वेरी वेरी सॉरी शारदा, I really am. Girls, अभी इधर अपुन का कोई काम नहीं। अपुन इधर आया था एक फ्रेंड का हेल्प का वास्ते, दूसरा फ्रेंड को प्रॉब्लम में डालने का नहीं। ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी, कम ऑन। ओके, सी यू। ठहरो, जब तक तुम्हारे पति घर वापस नहीं आ जाते तुम कहीं नहीं जा सकती। रूपा, कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। तुम तो पहले ही बहुत चिल्ला चुकी हो, अब बाकी क्या बचा? बहुत कुछ नया। क्या नया? तुमने कहा था मैं एक शक की बीवी हूँ, है ना? मैं लोगों पर झूठे इल्जाम लगाया करती हूँ। तुम इस औरत को नहीं जानते और न ही इसके साथ तुम्हारा रिश्ता है, है ना? तुमने आज तक मुझे धोखा दिया, मेरे साथ फरेब किया, मगर आज तुम्हें अपनी बेटी की कसम खाकर कहना पड़ेगा कि तुम इस औरत को नहीं जानते। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपनी बच्ची की कसम नहीं खा सकता। ये सच है कि मैं इन्हें पहले से जानता हूँ। इसका मतलब ये वही है ना जिसने तुम्हें रास्ते की धूल से आसमान का तारा बना दिया, जिसकी भीख के टुकड़ों पर तुम कुछ से कुछ बन गए? वो भीख नहीं थी, इनका अपनापन था, बड़कपन था। सड़क पर तो हजारों भिखारी पड़े रहते हैं, लेकिन अपने पन की ये मीठी बरसात सिर्फ तुम्ही पे क्यों? बड़कपन का ये दिखावा सिर्फ तुम्हारे लिए क्यों?
तुम्हारे जैसे छोटे दिल वाले लोग बड़कपन का मतलब नहीं समझ सकते रूपा। ठीक है, मैं छोटी दिल वाली हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तब तुम जानोगे कि समाज की नजरों में तुम कितने बड़े गुनहगार हो। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ और यहाँ तब तक दोबारा कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ना मिल जाए। रोकिए ना उसे, घर की इज्जत बाहर जाकर तमाशा ना बन जाए। तमाशा तो उसने बना ही दिया है, आपका, मेरा और अब खुद का भी। आज रूपा ने इस घर की चौखट ही नहीं लांगी, गृहस्थी को उस लक्ष्मण रेखा को लांगा है जिसकी सीमा में रहकर ही कोई परिवार सुखी रह सकता है। मैं आ कमिन सर, प्लीज कम इन। जी सर। ये तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर्स। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स? हाँ, तुम्हें आज ही रिलीव होना है दिल्ली के लिए। लेकिन सर, मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 3 ही महीने तो हुए हैं, इतनी जल्दी ट्रांसफर की वजह? अब वजह भी सुनना चाहोगी तो सुनो। तुम्हारे मोहल्ले के लोगों ने तुम्हारे खिलाफ ये लिखित शिकायत भेजी है कि प्रकाश चंद्र नाम के एक शादीशुदा मर्द के साथ न सिर्फ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात हैं बल्कि समाज को अंगूठा दिखाकर तुम उसी के साथ रह भी रही हो। इससे पहले के चारों तरफ हो रही तुम्हारी बदनामी का असर हमारे बैंक की साख पर पड़े, तुम्हारा यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। सिर्फ अफवाह की बुनियाद पर मेरा ट्रांसफर कर देना बहुत बड़ा अन्याय है सर। आप मेरा पिछला रिकॉर्ड देखिए, मेरे कलीग से पूछिए, क्या मैंने कभी किसी को शिकायत का मौका दिया है? अगर ये सिर्फ अफवाह ही होती तो हम भी इसे टाल जाते, लेकिन चूंकि ये शिकायतनामा प्रकाश चंद्र की बीवी ने खुद हमें लाकर दिया है इसलिए हमने ये कदम उठाना मुनासिब समझा। सर, अगर मैं ये ऑर्डर स्वीकार नहीं करती तो नियमों के मुताबिक मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और अगर मैं स्वीकार करती हूँ तो मुझे अपना सम्मान खोना पड़ेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद ही इस्तीफा दे दूँ। एक बात और अच्छी तरह समझ ले बुढ़ाओ, उस लुच्चे लफंगे के साथ अगर मेरी बहन को जबरदस्ती भेजने की कोशिश की तो याद रखना यहाँ खून की नदियां बह जाएगी। नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अरे आओ प्रकाश, आओ। पहला बाबू जी, लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारे ही बारे में बात हो रही थी, जीते रहो बेटे। बड़ा प्यार उमड़ रहा है, पहले इसे पूछो यहाँ क्या करने आया है। मेरे ख्याल से उस चुड़ैल ने मेरे पलंग पर सोने से इनकार कर दिया, शायद ये नए पलंग के लिए पैसे मांगने आए हैं। कोई भी आदमी उस घर में आना पसंद नहीं करेगा जहाँ पर उसकी बीवी उसके घाव पर नमक छिड़कने के लिए बैठी हो। अपने आत्मसम्मान का गला घोटकर आज मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए, वो भी इसलिए कि मैं किसी बेकसूर लड़की की बेइज्जती का कारण नहीं बनना चाहता। हा हा हा, बड़ी फिक्र है उसकी। अरे बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, लेकिन वो हा, 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 हा। उसकी जगह अगर तू होती तो अपनी इज्जत का कचरा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जानती है वो लड़की कहाँ रहती है? मेरे शरीफ दामाद के घर में, जिसकी नजर लक्ष्मण की तरह पराई औरतों के पांव से ऊपर नहीं उठती। आए हाय हाय हाय, लक्ष्मण की तरह देखो तो कैसा दामाद मिला है इनको। अरे हाथ पांव जरा कम चलाओ, बुढ़ापा है, गिर पड़ोगी मर जाओगी। दामाद जी, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ इसकी गलतियों को माफ कर दो और इसे अपने साथ घर ले जाओ। तुम सब कान खोल कर सुन लो, जब तक वो बच्चलन औरत उस घर से नहीं निकाली जाएगी मैं वहाँ कदम भी नहीं रखूंगी, चाहे इसके लिए कोई मेरी जान भी क्यों ना ले ले। लेकिन मैं तुम्हें आज शाम तक का मौका दे रहा हूँ, अगर तुमने घर आकर सारे मोहल्ले के सामने उन गंदे शब्दों को वापस नहीं लिया जो तुमने एक शरीफ और इज्जतदार औरत के लिए कहे थे तो आइंदा इस घर में मैं नहीं मेरा वकील आएगा तलाक के कागजात के साथ। ये क्या कह रहे हो दामाद जी? माफ कीजिए बाबू जी, मैं मजबूर हो चुका हूँ। तुम्हारी इस बदतमीजी ने मुझे भी कुछ करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कोई वकील फकील नहीं भेजूंगा। अगर आज शाम तक अपनी रखेल को घर से बाहर नहीं निकाला
तो मैं तुम्हारी इस लाडली बहन को इस घर से धक्के मारकर उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझे? मेरी बहन ने किया क्या है जो तू उसे घर से निकाल देना चाहता है? क्या ये कभी अपने बेटे को ताले में बंद करके सिनेमा देखने गई? क्या कभी इसने अपनी सास से बेगानों की तरह मुंह मोड़ा है? क्या तुझ जैसे निकम्मे आदमी को इसने देवता के रूप में नहीं पूछा? मुझे निकम्मा कहता है? तेरी ये मजाल, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला आज मुझे भी हाथ उठा रहा है। जिस पत्नी की बदौलत तू ऐश कर रहा है दुनिया तुझे इज्जत की नजरों से देखती है, आज तू उसी को घर से निकालना चाहता है। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ, मेरे ही घर में मेरे पति पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी बहन को जितना प्यार करते हो, कोई दूसरा भी अपनी बहन से उतना ही प्यार कर सकता है। तुमने मेरे प्यार की खातिर बहुत कुछ खोया है भैया। आज इसे बहन के प्यार के लिए एक कमा कर दो। उस औरत को अपने घर से निकालकर मेरी भाभी को इज्जत के साथ अपने घर ले जाओ। और अगर तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते तो समझ लेना कि तुम्हारी एक बहन थी जो मर गई। जिन बहनों को हम भाई लोग जी जान से चाहते हैं, उनका भाइयों को इस तरह परेशान करना कानूनन जुर्म है यार। हम दोनों शरीफ घर के लड़के हैं यार, इस दारू के अड्डे में हमारा क्या काम? पकड़ाना पड़ा? तुम आए हो अपनी बहन का प्रॉब्लम भुलाने और हम आए अपनी बहन का प्रॉब्लम सुलझाने। तो ठीक है यार, एक और हो जाए। ये खत्म करो, खत्म करो। चीयर्स। आज गले के नीचे उतरा जब अंगूर का पानी, याद मुझे तब आई लोगों अपनी राम कहानी। तो आओ जी आओ, बाजा बजाओ। Thank you.
तुम्हारी बात मानी नहीं थी हमने शादी। हम है कवारे दुनिया से न्यारे, हमसा जहां में कोई नहीं। हम है कवारे दुनिया से न्यारे, हमसा जहां में कोई नहीं। कोई नहीं कोई नहीं तुमसा जहां मजबूर हूँ शोलों पे मैं चल रहा हूँ। वो आग है दिल में लगी, दिन रात मैं जल रहा हूँ। हालात से मजबूर हूँ शोलों पे मैं चल रहा हूँ। वो आग है दिल में लगी, दिन रात मैं जल रहा हूँ। हर नाटा दुनिया का झूठा, अपनों ने मुझको है लूटा। हर नाटा दुनिया का झूठा, अपनों ने मुझको है लूटा। अपना किसी को बना छोड़ के आता हूँ, सोला देता हूँ इसको। चल मेरे भाई। लग रहा होगा कि मैंने शराब पी, प्रकाश ने भी शराब पी, उसे तो ठीक से पीना भी नहीं आता। ये तो अच्छा हुआ मेरी नजर उस पर पड़ गई और उसमें यहां ले आया। बेचारा बहुत बहुत परेशान मालूम होता है। तूने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि यहां से चले जाओ, अपनी समस्या मैं आप सुलझा लूंगी। लेकिन तू क्या समझती है कि तेरा भाई तुझे मुसीबतों की चक्की में पिसने के लिए अकेला छोड़ देगा? अरे क्या तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं? मेरे पास दिल नहीं है? और सुन, एक भाई को उसके कर्तव्यों से दूर हटाना कानूनन जुर्म है।
गुड मॉर्निंग पिंकी बेटे। अरे क्या हुआ? मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यों? एक तो रात को देर से आए, ऊपर से न जाने क्या क्या बोल रहे थे। पता है आंटी कितनी परेशान हुई? सॉरी बेटे। बोलना है तो आंटी को बोलो ना, मुझे क्या बोलते हो। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। आई एम सॉरी। सोचा शायद गमों की आग शराब के सैलाब से बुझ जाएगी, लेकिन वैसे मैं पीता नहीं हूं। अपने दर्द से लड़ते लड़ते मैं थक गया हूं। आपके दर्द की वजह भी तो मैं ही हूं। फिर भी दुख किस बात का है कि आप जैसे समझदार और साहसी आदमी अगर घबराकर शराब का सहारा लेने लगे तो बदनामी के समुद्र में डूबी हुई मुझ जैसी को तो जहर पीकर मर जानी चाहिए। मैडम ये सच है कि आपके लिए कभी मेरे मन में प्यार की गहरी भावना थी, आपको पाने की चाहत थी, लेकिन वो सब तो तभी खत्म हो गई। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि मैं शहर में पुराने रिश्तों की वजह से चली आई हूँ। मैं तो यहाँ एक कोरे कागज की तरह आई थी जिस पर आपकी बीवी ने बदनामी की सही उडेल कर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं इस घर में वही दाग धोने के इरादे से आई थी, लेकिन इसके बदले अगर किसी मासूम से उसके माँ बाप छिन जाए ये मुझे मंजूर नहीं। मैं समझा नहीं। मेरी वजह से ही पिंकी की माँ घर छोड़कर चली गई और अब बाप ने भी शराब का रास्ता पकड़कर बच्ची से दूर जाने का फैसला कर लिया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपकी पत्नी से सच कबूल करवाने का इरादा छोड़ दूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एक आप है जो समाज की उठती हुई उंगलियों का निशाना बनने के बावजूद मेरी बेटी के लिए अपनी हार मानने के लिए तैयार है, उम्र भर एक झूठे कलंक के साथ जीने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ रूपा है जो अपनी बेटी की ममता को बुलाकर आपको रुसवाई की आग में जलने के लिए छोड़कर यहां से चली गई। नहीं मैडम नहीं, जिसके लिए मेरे मन में इतनी इज्जत हो उसे तिल तिल करके मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं आपको हुक्म तो नहीं दे सकता, इल्तजा कर सकता हूं। आप तब तक इस घर से न जाएं जब तक रूपा आप पर लगाए शर्मनाक इल्जामों को वापस नहीं ले लेती। भरी बहार में खिजा क्यों चली आई है कि नजर किसने मेरे फूल को लगाई है। तेरे गमों से गुलशन की आग क्यों भराई है। ये हमारे जज्बात थे, अगर हम चाहते तो अपने मुंह से भी कह सकते थे, मगर तुम तो जानती हो हम जो भी करते हैं जरा हट के करते हैं। सच मुझे ये देखकर बड़ा दुख होता है कि भरी जवानी में तुम यहां तिल तिल करके जलती रहती हो और वहां तुम्हारा दिल फेंक मियां गैर औरतों के साथ में इश्क शतरंज खेल रहा है। यूं बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, देखो तुम्हें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं भी वही हूं, तुम भी वही हो और हमारा प्यार भी वही है। बस बीच में छोटी सी दीवार है, उस दीवार को हटा दो और हम दोनों एक हो जाएंगे। ये मंगल सूत्र, इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसका जवाब गुलशन देगा। लेकिन जरा शिव बिना कैलाश, राम बिना अयोध्या और प्रकाश बिना ये दुकान अंधेरी है। जब तक अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तब तक ये दुकान बंद रहेगी। लेकिन मैं अपनी परेशानियों से तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूं। तुम लोगों की तनख्वाह हर महीने की पहली तारीख को तुम लोगों के घर घर में पहुंच जाएगी। मालिक, बरसों से हमने इस दुकान का नमक खाया है, अगर छोटा मुंह बड़ी बात न लगे तो आप कुछ दिनों के लिए अपनी सारी चिंताएं भुलाकर अपना पूरा दिमाग घर की उलझने सुलझाने में लगा दीजिए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। पुत्री भाई के साथ रहते रहते मैं तो भूल ही गया था मेरे पास दिमाग भी है। बाबूजी, आपने अपना घर छोड़ने का फैसला किया ये गलत है, हमारे साथ रहने का फैसला किया ये और भी गलत है। घरों में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है, इससे घबराकर आदमी अपना
घर बीवी बच्चे थोड़ी छोड़ देता। क्यों नहीं, मेरा फैसला तो तभी बदलेगा जब पुतली बाई छाप धर्म पत्नी का दिमाग ठिकाने आए और वो अपनी लाडों को वापस भेज दे। क्यों, मेरी स्कीम बढ़िया है ना? नहीं बाबूजी, मुझे ये सब पसंद नहीं। पसंद तो मुझे भी नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना लोहा ही लोहे को काटता है, तो जाने दो। ये सब स्वादिष्ट मिठाइयां सामने रखी हो तो वो क्वीन इनकी गोली को क्यों याद करें। शुरू करो, शुरू करो, हो जाए। रसगुल्ले बाबा, क्या बात है, क्या बात है, कमाल है ये रसगुल्ले। मेरे धड़कते दिल पर ऐसा असर कर रहा है जैसे कि रामवान मलम। सुन जमाई राजा। जी बाबूजी। स्टैंप पेपर कहाँ मिलेगा? अब इसकी क्या जरूरत आ पड़ी बाबूजी? बेटी, तेरी सास ने आज 30 साल से गोबर जैसी बेस्वाद चीजें खिला खिला कर मेरे स्वाद की अर्थी उठा दी थी। आज ये रसगुल्ले खाकर मेरी बेजान जीभ में फिर से जान पड़ गई। इसलिए आज मैं अपनी सारी दौलत उन हाथों के नाम लिख देना चाहता हूँ जिन्होंने ये रसगुल्ले बनाए हैं। नाना जी, नाना जी, आंटी आपको इससे भी बढ़िया मिठाई बना के खिलाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग चाय पीजिए, मैं पिंकी को स्कूल छोड़ के आती हूँ। अच्छा ठीक है, स्कूल छोड़ाओ, उसके बाद मिठाई बनाना, बढ़िया मिठाई मेरे लिए। टाटा डैडी, टाटा नाना जी। भगवान ने इन दोनों के बीच जो प्यार का बंधन बांध दिया है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। मुझे भी इसी बात का डर है। अरे क्या है? अरे बोल तो सही, क्या है? अरे ये क्या, तुम तो ऊपर से नीचे तक बदल गए हो, कहीं सखिया तो नहीं गए? अरे रूपा, रूपा इधर तो आओ, देख तो सही अपने पांव को। कमाल है। सिर्फ मेरे कपड़े ही नहीं बदले, मेरा दिल, मेरा दिमाग, सब कुछ बदल गया है। मुझे लगता है उस चुड़ैल ने जैसे खिला पिलाकर इनको बस में कर लिया है ना, वैसे ही बापू पर भी जादू फेर दिया है। क्या खिलाया था बापू? भांग के लड्डू। सालों की करवाहट के बाद आज मुझे किसी के हाथों की रस भरी मिठाइयां मिली जिसकी मिठास ने मेरे भीतर सोए मर्द को जगा दिया। आज मैंने जाना कि वही हर स्वर्ग हो सकता है जिसका मर्द उसका स्वामी हो। क्या 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 क्या, स्वर्ग, स्वामी, बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे सीधे स्वर्ग से सिधा रहे हो। बिल्कुल, प्रकाश का स्वर्ग जैसे घर देख कर ही मुझे मालूम हुआ कि आज तक मैं नरक भोग रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जिस घर में तुम्हारी बेटी की सौतन तुम्हारे दामाद के साथ गुलछरे उड़ा रही हो उस घर को तुम स्वर्ग कहते हो? औरत फुकर औरत के लिए ये सब बंदी बातें बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? किस दिन कोसे जा रहे हो, वो प्रकाश को नहीं प्रकाश की बेटी को सीने से लगाए रखी है, उस पर सौ सौ लांछन लगाकर तुम्हारी मूर्ख बेटी यहां चली आई। बेटी, बेटी, एक स्त्री के लिए पति और बच्चे से ही घर बनता है। अभी भी वक्त है अपना घर, अपने पति, अपनी बच्ची को बचा ले। अरे ऐसा ना हो कि तेरे घर में जो है वो बन गई तेरी बच्ची की मां और तू सिर्फ आंटी बनकर रह गई।
ठंडी हवा है पर्दा गिरा दो, ठंडी हवा है पर्दा गिरा दो, बाहों में खेलो जी जुल्फों से खेलो जी, प्यासा है जिया नूर हो तुम, आसमां की हूर हो तुम, ऐसा रंग रूप देखा बेकरार हो गया, ओ चांदनी का नूर हो तुम, आसमां की हूर हो तुम, ऐसा रंग रूप देखा बेकरार हो गया, मेरी प्यारी गुड़िया। एक बात बता, तू कहाँ सोती है? अपने कमरे में। और डैडी? वो भी अपने कमरे में। और वो कहाँ सोती है? वो कौन? अरे वो ही। अच्छा वो आंटी, वो मेरे साथ। हाँ थैंक गॉड। शारदा मेरा एक काम करेगी? बोलो। हाँ घर जाकर डैडी से कहना, डैडी डैडी मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप आंटी को घर से बाहर नहीं निकालते और मम्मी को घर नहीं ले आते। कहोगी ना? अच्छा बता क्या कहेगी? मैं कहूंगी डैडी डैडी मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप आंटी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे और मम्मी को वापस घर नहीं लाएंगे। ऐसा मम्मी ने कहने को कहा है। अरे चुड़ैल डायर, जैसा बाप वैसी बेटी। नहीं मम्मी, प्लीज मत मारो। नहीं मम्मी। भाई जान बाबूजी, मुझे रूपा से अकेले में कुछ बातें करनी है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। अब बात करने को बचा ही क्या है? तुम चुप रहो। बेटा अपनी बीवी से बात करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। बाबूजी इस घर में बस एक आप ही समझदार हैं।
लगता है सब ठीक हो गया बेटा? जी हाँ। तो रूपा को तुम साथ ले जा रहे हो ना? अगर वो मेरे साथ अकेले चलने के लिए तैयार है तो। डरो मत, हमें से कोई उसके साथ नहीं जाएगा। मेरा ये मतलब नहीं था बाबूजी। फिर? मैं उनकी बात कर रहा था जो रूपा के हमेशा के साथी बन चुके हैं। मतलब? मतलब ये, रूपा का झूठा अभिमान, उसकी जिद, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, अगर वो इनको हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार है तभी मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। देखिए जरा इधर, देखिए जरा, देखो तो क्या हालत बनाई है मेरी बेटी की। अरे तू आदमी है या जानवर? तेरी फूल सी बच्ची को किस बेरहमी से मारा है तूने? भला कोई आदमी अपनी औरत को इस तरह मारता है, वो भी उसके माँ बाप के घर में? मेरी बहन पर तूने जो जुल्म किया है उसका जवाब तेरी बहन की हड्डियां तोड़कर मैं अभी देता हूँ। खुदा, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बेटे, सारा घर जब तुम्हारे खिलाफ हो चुका है तब सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ था, तुम्हारी इज्जत करता था। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की, लेकिन तुम्हारे जैसे समझदार आदमी का अपनी बीवी को बेदर्दी से मारना यह गलत है। फिर तुम में और रूपा में फर्क ही क्या रहा? पिंकी, इधर आओ बेटा। आपने कहा था कि मैं इंसान हूं या जानवर, ये देखिए इस फूल सी बच्ची के घाव देखिए और देखकर ये बताइए कि इसे मारने वाला इंसान है या जानवर। हाँ हाँ, मैंने इसे मारा, मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा। क्या एक माँ को अपनी बेटी को मारने का भी अधिकार नहीं? 9 महीने पेट में रखने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती। क्या तुमने एक माँ की तरह कभी इसे अपना दूध पिलाया, कभी अपनी बाहों में झुलाया, कभी सीने से लगाकर प्यार किया? नहीं, जब तुमने माँ का कर्तव्य नहीं निभाया तो तुम्हें माँ के लेने का कोई अधिकार नहीं। और हाँ, एक बात याद रखना, आज के बाद तुम पिंकी के साए को भी नहीं छू सकोगी। आंटी, बोलो बेटे। मैं बाहर खेलने जाऊं? अच्छा जा, लेकिन सड़क पर मत जाना। अच्छा हा? आंटी। पिंकी, शारदा, शारदा। शारदा, सुनिए, आपने कभी पिंकी को देखा? नहीं बहन, मैंने तो नहीं देखा। सुनिए, पता नहीं पिंकी कहाँ चली गई। मैंने तो उसे इस तरफ नहीं देखा। यही तो थी, तो यही कहीं खेल रही होगी। सुनी, पिंकी यहाँ खेल रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे तुझे क्या पता होगा, जिसने बच्चा जनने का दर्द ही न सहा हो। पराई औलाद तो पराई होती है। क्या बोल रही है बहन? क्या है बहन, तुम लोगों को कुछ काम है कि नहीं? जाओ अपना काम करोगे, चबर 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 आखा दिन करते रहता है। सुनी, पिंकी नजर नहीं आ रही। शारदा बहन, फिक्र क्यों करता है, मिल जाएगी बच्ची। मैं जाके टेलीफोन करता हूँ प्रकाश भाई को, आप फिक्र मत करो। बेबी शारदा उर्फ पिंकी, ये बच्ची कल शाम से लापता है। उम्र 6 साल, रंग गोरा, कद लगभग 3.5 फुट। जिसे इस बच्ची का अता पता मिले वो नजदीक के पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें। आप ही शारदा देवी हैं? जी, बच्ची का कुछ पता चला? हमें खबर मिली है कि बच्ची का खून हो गया है। क्या? ये नहीं हो सकता। हो चुका है,
और उसी खून के इल्जाम में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन चल के कहिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ चलिए। लड़की की मां और मामा ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। लड़की के बाप के साथ तुम्हारा नाजायज रिश्ता था और चूंकि वो लड़की तुम्हारे प्यार के बीच कांटा बन गई, इसलिए तुमने उसे मार डाला। ये झूठ है इंस्पेक्टर। ये मेरी बेटी से इतना प्यार करती थी जितना उसकी सगी मां ने भी नहीं किया। ये झूठी रिपोर्ट उन लोगों ने इन्हें फंसाने वो बेइज्जत करने के लिए की है। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ मेरी बीवी की एक चाल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दबाजी में आप लोग कोई गलत फैसला ना करें। बिना सबूत के पुलिस गलत फैसले पर पहुंचती ही नहीं। हवलदार, जिस दिन बच्ची गुम हुई उस दिन यही कपड़े पहनी हुई थी ना? यही जूते, यही चूड़ी और टॉप। लेकिन इंस्पेक्टर, इन सबूतों के आधार पर आप इन्हें कातिल कैसे ठहरा सकते हैं? इसलिए कि एक और ठोस सबूत हाथ लगा है, बहुत सॉलिड, ये घड़ी। लेकिन यहाँ कैसे आ गई? यहाँ नहीं, ये घड़ी हमें मौके वारदात पर मिली है। कहते हैं ना, मुजरिम कितना ही शातिर से शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गलती कहीं बैठता है। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। पिंकी को कुछ नहीं हुआ। मैं तो उसे कितना, प्रकाशी, मैं सच कहती हूँ, मैंने उसे नहीं मारा, मैं खातिल नहीं हूँ। योर ऑनर, गवाह पांडुरंग का बयान, मौके वारदात पर मरी हुई बच्ची के कपड़े और खुद मुल्जिमा की घड़ी से यह साफ जाहिर हो चुका है कि अपने और अपने आशिक के बीच का कांटा निकालने के लिए मुल्जिमा शारदा देवी ने बच्ची को बेहमी से कत्ल कर दिया। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि समाज और औरत पर कलंक लगाने वाली इस कलंकित औरत को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि फिर कोई खुदगर्ज औरत इतना भयानक जुर्म न कर सके, इतना भयानक पाप न कर सके। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब सिक्के के एक ही पहलू को ठोक बजाकर अदालत को किसी एक फैसले पर पहुंचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है जिसे नजरअंदाज करना कानूनन जुर्म है। योर ऑनर, सिक्के के इसी दूसरे पहलू यानी कि शारदा देवी पर लगाए गए इल्जामों पर उनके वकील की हैसियत से मैं एक नई रोशनी डालना चाहता हूँ। इजाजत है? ना 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 ना, ना मुन्ना, तुम कहाँ चले हैं? तुम तो मेरी सर्च लाइट हो। तो तुम्हारा नाम पांडू है? जी साहब। भाई पांडुरंग, क्या काम करते हो? मच्छी पकड़ता हूँ साहब। अच्छा अच्छा, दरिया पर? जी साहब। तो मंगलवार के दिन भी तुम मच्छी पकड़ रहे थे? जी साहब। अच्छा अच्छा, मछली क्यों नहीं पकड़ी, सिर्फ कपड़े क्यों पकड़े? ये सब किनारे पर ही पड़ा हुआ था साहब। सब क्या? यही घड़ी, कपड़े, जूते। अच्छा अच्छा, सब कुछ मिला, लेकिन लाश? लाश लाश कहाँ मिलती साहब, इतना गहरा दरिया है, डूब के मर गई होगी बेचारी। तुम्हारा मतलब है कि कातिल ने तुम्हें गवाह बनाने के लिए पहले तुम्हारे सामने अपनी घड़ी उतार कर रखी और फिर बच्ची के कपड़े और फिर देखते ही देखते उसे पानी में धकेल कर मार डाला। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, ये बात सभी अच्छी तरह जानते हैं कि समुंदर इंसान की तरह लालची नहीं होता, वो अपने अंदर कोई चीज छिपा कर नहीं रख सकता। इसके बाद भी अगर बच्ची का कत्ल हुआ होता तो लहरों ने लाश को किनारे पर पटक दिया होता और अब तक लाश मिल गई होती पुलिस को। मिलावट क्यों भाई, ठीक कह रहा हूँ ना? और वैसे भी तुम तो मछुआरे हो, समुंदर का स्वभाव अच्छी तरह जानते होगे। बताओ लाश को कहाँ छिपा रखा है? सब लाश वाश मैं नहीं जानता सब। कितने पैसे मिले थे झूठी गवाही देने के? कितने पैसे मिले थे? सब दो सौ रुपए मिले थे। किसने दिए थे वो 200 रुपए? वो रूपा देवी ने दिया साहब, रूपा देवी ने। तो आप रूपा देवी हैं जी? आप कितना पढ़ी हैं? बीए। और आपके पति? मैट्रिक। बीए पास होते हुए भी आपने एक मैट्रिक पास लड़के से शादी की, ये कैसे? ये शादी मैंने नहीं की,
मेरे पिता ने करवाई थी। इसका मतलब आपकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई मर्जी नहीं थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, शादी में दिलचस्पी लिए बिना ही ये एक बच्चे की मां कैसे बन गई? योर ऑनर, इस तरह मेरे और मेरे गवाह के बीच में टांग अड़ाना कानूनन जुर्म है। यू मे प्रोसीड। आखिरी बार अपनी बच्ची को कब मिली थी? उसके स्कूल में। आप उसके स्कूल क्यों गई थी? बच्चे से ये कहने कि वो अपने डैडी से मुझे मिलाने में मदद करे। ओ, मतलब ये कि बच्ची तक तुम्हें तुम्हारी ममता नहीं तुम्हारा स्वार्थ खींच कर ले गया। और जाहिर है कि जब बच्ची ने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो तुमने उसे पीटा होगा, और ये सोचकर कि बच्ची ने तुम्हें तुम्हारे पति से मिलाने में कोई मदद नहीं की तुमने उसे एक फालतू चीज समझकर बेचारी को खत्म कर दिया होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, क्या दुनिया की कोई भी माँ अपने छोटे से स्वार्थ के लिए खुद अपनी औलाद का खून कर सकती है? अरे क्यों नहीं कर सकती? महाभारत सीरियल में गंगा ने अपने बेटों को पानी में नहीं बहा दिया था क्या? बात करते हो यार, मतलब क्या तुम्हारा? ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि बच्ची की कातला खुद उसकी मां रूपा देवी है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। अभी तक इनके पास कोई सबूत या ऐसा कोई गवाह नहीं मिला है जिसने अपनी आंखों से रूपा देवी को कत्ल करते हुए देखा हो, इसलिए योर ऑनर मेरी जिरह भी पूरी नहीं हुई है। यू मे प्रोसीड। थैंक यू। ये जो औरत आपके सामने खड़ी है, इसे आपने पहले कभी देखा है? जी हाँ। कहाँ? मेरे बगल वाले घर में। क्या ये औरत अभी भी वहीं रहती है? नहीं, अब ये मेरे घर में रहती है। आपके घर में? क्या आप अदालत को इसकी वजह बता सकती हैं? मैं बताता हूं, क्योंकि आपके ख्याल में आपके पति में और शारदा देवी के बीच कुछ नाजायज ताल्लुकात चल रहे हैं, है ना? हाँ। तुमने अपनी आंखों से कभी कुछ देखा? नहीं, मैंने सोचा। सोचा, सिर्फ सोचा रूपा देवी, देखा नहीं। योर ऑनर, अभी अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि बिना अपनी आंखों से देखे किसी फैसले पर पहुंचना गलत है, जबकि रूपा देवी ने बिना अपनी आंखों से देखे मेरी मुवक्किला शारदा देवी पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाए हैं कि उनका खुद अपने मोहल्ले में सर उठाकर चलना नामुमकिन हो गया। उनकी परमानेंट नौकरी चली गई, यहां तक कि बेचारी की सगाई भी टूट गई। योर ऑनर, योर ऑनर, अगर किसी को जान से मार देना कानूनन जुर्म है तो किसी के चरित्र की हत्या करना भी एक संगीन जुर्म से कम नहीं जो रूपा देवी ने किया है। योर ऑनर, जिस औरत को ऐसे अपराध करने की आदत सी पड़ जाए उसके लिए अपनी बच्ची को मारना भी बहुत बड़ी बात नहीं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि श्रीमती रूपा देवी को उनके अपराध के लिए उचित दंड दिया जाए। That's all, Your Honor. इस मामले का फैसला अदालत कल तक मुलतवी करती है। आओ आओ रूपा रानी, वो आए गुलशन के घर। कभी हम तुमको, कभी अपने आप को देखते हैं। गुलशन, मेरी बच्ची कहाँ है? बच्ची यहीं कहीं खेल रही होगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी तरकीब से मेरे पति उस औरत को बाहर करके मुझे घर ले जाएंगे, इसलिए इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी का अपहरण करने दिया। लेकिन अदालत में पांसा पलट चुका है, उल्टा इल्जाम मुझे पर लगाया जा रहा है। इससे पहले कि इस झूठे खेल के कारण मुझे हथकड़ियां लगे, मुझे मेरी बच्ची वापस कर दो गुलशन, मेरी बच्ची वापस कर दो। घबरा मत रूपा, अरे कहीं ऐसा भी हुआ है कि गवाही मुजरिम बन जाए? देखो, तुम मुझ पे भरोसा रखो। जिस औरत ने मुझसे मेरी नौकरी छीनी है, जिस दिन मैं उससे बदला ले लूंगा तुम्हें तुम्हारी बच्ची वापस कर दूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम जाओ है? बिल्कुल चिंता मत करो, शाबाश है, जा जा। अरे हैव फेथ इन मी, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बच्ची तुम्हें मिल जाएगी। अरे तुम्हारी बच्ची क्या, तुम्हारा हस्बैंड भी वापस आ जाएगा, शाबाश, गो। अपन को एक बात समझ नहीं आया गुल्लू, रूपा को बोला उसका बच्ची वापस हो जाएगा, उसका मतलब क्या? मेरा नाम क्या है? गुलशन। हाँ, तो मैं जो भी करता हूँ जरा हट के करता हूँ। अच्छा बच्चू, तो ये बात है, तो अब तेरे साथ भी जो कुछ होगा ना जरा हट के होगा, क्योंकि हम किसी से कम नहीं, समझा ने? बच्ची कहाँ है? कौन सा बच्चा, किसका बच्चा? मेरी बच्ची। हमें क्या मालूम? नहीं मालूम? नहीं। Thank you.
वो आ गया। कौन? इस बच्ची का बाप। वो मुझ तक नहीं पहुंचना चाहिए, खत्म कर दो इसको। ठीक है चलो। जो भी करता हूँ जरा हट के करता हूँ, पहले तेरी गुड़िया और फिर तुझे नीचे फेंक दूंगा। बच्ची तेरी गाड़ी को देख, कितना बुजदिल है, तुझे फेंक दूं? फेंक दूं? आगे आएगा, आजा ले ले। बच्ची को फेंक दूंगा, रुक जा, रुक जा, मेरी तरफ नहीं, प्रकाश मेरी तरफ नहीं, देख मैं फेंक दूंगा इसे नीचे। जिंदगी से खेल रहा था, इसीलिए इसे किडनैप किया था। मौसी, ये सब लोग कहां जा रहे हैं? तुम्हें मालूम नहीं? सब लोग शादी में जा रहे हैं। शादी?
मेरे कहने पर तुम यहाँ आए, मैंने तुमको पैसे दिए, इन मैडम के कहने पर बंद कर रहे हो, ये कानूनन जुर्म है, चलो शुरू करो। आओ बेनाओ, ये लो फूल डालो। मावेट, ये बड़ा अच्छा शगुन है, ये फूल भगवान ने अपने हाथों से तुम पर बरसाए हैं, जाओ अपना काम करो। पिताजी, आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी का संसार लूट रहा है, आप उसे रोकने के बजाय बढ़ावा दे रहे हैं। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, काम वाम करो ना जाकर। मैं तो जाता हूँ, मेरे को तो दूसरा भी बहुत काम है। जैसी करणी वैसी भरणी, जो जैसा बोएगा वैसी फसल काटेगा। पिताजी ये क्या माँ, जब भी मैं मुसीबत में होती थी तो तुमने मेरा साथ दिया, मेरे आंसू पहुंचे, और आज अपनी बेटी का मंगलसूत्र छीनकर पराई औरत के गले में डाल रही हो। क्या कर रही हो माँ, फालतू औरतों से फालतू बातें क्यों कर रही हो, पूजा की थाली तैयार करो, मुहूर्त का समय हो रहा है। भैया अब तुम्हारे लिए मैं फालतू हो गई, ठीक है ये लो। सुनिए, अरे आप आइए आइए, पिंकी बेटे जरा इन्हें बिठाइए। आइए आंटी। आंटी, तूने मुझे आंटी कहा, देखो तुम बदले तो बदले, मेरी बेटी की बुद्धि भी भ्रष्ट कर डाली। अरे नहीं नहीं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इनके साथ जो जैसा व्यवहार करता है इनके दिमाग पर वैसी छाप पड़ जाती है जो लाख चाहने पर भी मिटाई नहीं जा सकती। अब आ ही गई हो तो शांति से बैठो, अपना आशीर्वाद दो, शादी के बाद मुंह मीठा करके खुशी खुशी घर जाओ। नहीं, तुम्हें छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। साथ रहोगी नहीं, साथ रहती थी, और अब वो भी एक भूली हुई कहानी हो चुकी है। इसके अलावा कोई और मदद चाहिए तो बोलो, यहाँ शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, तुम चाहो तो तुम्हारे गुजारे का इंतजाम करवा सकता हूँ। मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो तुमसे, सिर्फ तुमसे। अब तो तुम ही मेरी डूबती नैया को किनारे लगा सकते हो। देखो जी, मुझे नादान समझकर माफ कर दो, मैंने जो कुछ किया उसका अंजाम ये भी हो सकता है मैंने आज ही जाना। मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। अब जानने से क्या फायदा, ना बूढ़ा तोता राम राम सीख सकता है, ना अंधा आदमी सूर्य नमस्कार कर सकता है। फिर भी अगर सिर्फ मैं ही वो आदमी होता जिसे तुम्हारी वजह से मुसीबतें झेलनी पड़ी तो मैं तुम्हें माफ कर देता, अपने लिए ना सही अपनी बेटी के लिए तुम्हें दोबारा अपना लेता। लेकिन जिसने तुम्हारी वजह से अपना वर्तमान, अपना भविष्य सब कुछ खो दिया, यहाँ तक के मुलजिम बनकर कटहरे में खड़ा होना पड़ा, वो तुम्हें कैसे माफ कर सकती है। शारदा, मैंने जो भी कुछ किया झूठे शक और जलन की वजह से किया, वक्त की ठोकरें खाकर मैं समझ चुकी हूँ कि ये सब कुछ करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ये बात मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं, इन सब लोगों के सामने अपनी बेटी की सौगत खाकर कहती हूँ कि तुम निर्दोष हो, पवित्र हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझे माफ कर दो शारदा, मेरा जीवन तुम्हारे हाथों में, ये शादी रोक दो शारदा, ये शादी रोक दो। से कोई फायदा नहीं, तुमने अपनी भूल मानने में बहुत देर कर दी रूपा, सारी तैयारियां हो चुकी है, ये शादी नहीं रोकी जा सकती। आखिर क्यों, ये नहीं होगा, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अगर ये शादी हुई तो तुम्हारी टोली मेरी हस्ती पर से गुजरेगी, मैं अपना पति किसी से बांट नहीं सकती, मेरा पति सिर्फ मेरा है, मेरा। यही बात सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे, तुम ही नहीं इस धरती पर जन्म लेने वाली हर औरत यही सोचती है कि उसका पति सिर्फ उसी का हो। मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारे मन की बात मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन अपने पति को भी कितना दुख पहुंचाया, उनका अपमान किया, झूठे आरोप लगाकर उनका दिल दुखाया, इतने पर भी उन्होंने उफ तक नहीं किया। अरे तुम्हें तो अपने सुहाग पर अभिमान होना चाहिए, तुम्हारे पति ने तुम्हारे अलावा और किसी लड़की के बारे में सपने में भी नहीं सोचा। रूपा याद रखना, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीनकर
मैं अपने गले में डाल लूं। पति तो सभी को मिल सकता है, लेकिन अच्छा इंसान किसी किसी को मिलता है। सुनो, ये विवाह मेरा और प्रकाश का नहीं है। पिंकी के खो जाने पर मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर बच्ची सही सलामत मिल जाए तो मैं कृष्ण तुलसी विवाह रचाऊंगी, और भगवान ने मेरी सुन ली। वो देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। एक बात याद रखना, इस धरती पर औरत का रूप लेकर जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात है, पुण्य की बात है। पति के जीवन में कभी तूफान बनकर मत गुजरना, हमेशा ठंडी हवा का झोंका बनकर रहना।